आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्ते, आज तक रेडियो का वीकली बदकही का पॉडकास्ट तीन ताल बदले हुए समय के साथ आ गया है और अब हर शनिवार को तीन ताल का नया एपिसोड रिलीज होता है, जिसे आप वीकेंड की छुट्टी में या फिर आगे पूरे हफ्ते धीरे धीरे करके सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं कमलेश किशोर सिंह यानी ताऊ, पाणिनी आनंद यानी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ तीन ताल नया हफ्ता नया बवाल। जय हो जय हो आप लोगों सभी को, सुनने वालों को भी और आप दोनों को भी तीन ताल के सिल्वर जुबली की शुभकामनाएं। 25वें हफ्ते से लगातार मैटनी शो में चल रहा है। आपके नजदीकी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे आज तक रेडियो की हमारी ऐप हो, वेबसाइट हो या फिर गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, ये सारे जो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आप तीन ताल। इकतीस एपिसोड और हो जाएंगे तो हम 56 इंच के हो जाएंगे। तो माहे मार्च बीत गया, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। ताऊ, हालचाल कैसा रहा इस हफ्ते? हालचाल इस हफ्ते मेरा बहुत ही बुरा रहा है। मैं अलीगढ़ से आ रहा था और भूखा था और मेरा 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 घर बहुत दूर नहीं था, तो मैंने कहा मैं घर जाकर ही खाऊंगा, क्यों ढाबे में यहाँ वहां खाऊं और सड़क किनारे कहीं कुछ बीमारी ना ले बैठूं, मतलब कोरोना। उसके भय से मैंने कुछ खाया नहीं, पर बुलंदशहर के पहले ही सड़क के दोनों तरफ बहुत रंगीन रंगीन छतरियों के नीचे लोग मूंग के बड़े और कांजी बड़े बेचते हैं, उसमें लिखा होता है कि मशहूर मशहूर मशहूर। तो 25-30 पार करने के बाद, ऐसे छतरियों को पार करने के बाद मेरा जी लपलपाया और जो मूली कस के देते हैं हरी चटनी के साथ, वही वाले? नहीं, अच्छा बड़े होते हैं कांजी। टायरों ने कहा है कि बड़े अच्छे लगते हैं, तो मुझे भी लग गए और मैंने गाड़ी रोकी, खिड़की खोली, एक को इशारा किया, तो वो जब लेकर आया तो उसने हाथ जो है मेरी तरफ यूं बढ़ाया एक प्लेट के साथ, कागज के प्लेट में, तो बहुत 3D व्यू था वो, मैं अंदर से देख रहा था जैसे टैरेंटिनो की फिल्म में होता है। और वो उसका चेहरा बहुत दूर था पर हाथ बिल्कुल नजदीक था, और उसके नाखून देखे मैंने। नाखून देखने के बाद जब उसका चेहरा देखा तो मुझे लगा कि साक्षात यमराज निहार रहे हैं मुझको। लेकिन फिर भी मैंने 20 रुपये के कांजी बड़े खा लिए और 20 मिनट में उस कांजी बड़े ने अपना प्रभाव शुरू कर दिया। पेट से विभिन्न तरह की आवाजें आने लगी, मैं थोड़ी सी रफ्तार में घर पहुंचा और पहली बार उस दिन दौड़ कर बाथरूम गया, और उसके बाद अगले 3 दिन तक मैं वो दौड़ लगाता ही रहा, मिनटों में। दवाइयों के तीन तरह की दवाइयां प्रयोग हुए, बुखार तो 2 दिन में उतर गया मगर पापी पेट। हमने जबरदस्ती कोरोना टेस्ट भी करने के लिए, हाँ, और कन्विंस किया और टेस्ट हुआ तो नेगेटिव आया। अच्छा, हो गया। बुखार था और बाय द वे सभी के जानकारी के लिए ये अच्छा है, पाणिनी जी ने मुझे बताया, बाबा ने, कि ये लक्षण है ऑफिशियली कोरोना का, एक लक्षण ये भी है कि हो सकता है सर्दी खांसी ना हो और बुखार और डायरिया हो, तो ये इन्होंने बड़ी अच्छी सलाह दी कि आप करवा लो, नहीं होगा पर करवा तो जरूर लो। मैंने करवा लिया, वो खुशखबरी ये थी वो निगेटिव आया, पर पॉजिटिव बात थी वो जो मेरे साथ निगेटिव बात थी वो यही थी कि मैं दौड़ लगाता रहा, अब जाकर थोड़ा सा अस्थिर हो पाया हूँ। तो ये रहा मेरा बुलंद शहर का, बहुत ही बुलंद, बहुत बुलंद शहर की बहुत बुलंद यादें। आज का एजेंडा संक्षेप में बता देता हूँ, फिर छोटी छोटी कई तरह की कई विषयों पे बात करनी है। संक्षेप में ये कि एक तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ऐलान हुआ है और लोग कह रहे हैं कि फाल्के पुरस्कार को रजनीकांत मिल गए, लार्जर देन लाइफ जो उनकी इमेज है, और या हम सिनेमा में क्यों एक लार्जर देन लाइफ छवि को ही पसंद करते हैं, इस पर थोड़ी बात करेंगे और बाबा की राय। हाँ, वो पहले दा रजनी थे, अब दादा रजनी हो गए। हाँ, साहब होने में वक्त लगेगा अभी। हाँ, साहब होने में वक्त लगेगा। जय कन्हैया लाल के, दादा साहब फालके। पश्चिम बंगाल चुनाव से गोत्र और शिखा यानी चुटिया पर बात निकली है, कोशिश करेंगे कि इसे दूर तक ले जाएं और फिर बात अपने
दो पड़ोसी देशों की करेंगे। एक पड़ोसी देश जहां तख्ता पलट के बाद कई प्रदर्शनकारियों और लोकतंत्र समर्थकों की जान जा चुकी है, और दूसरा जहां से शांति के कबूतर ऐसा लगा कि उड़ने वाले हैं लेकिन फिर वापस बंद कर दिए गए जंगले में। आधार पैन कार्ड लिंक कराने की डेट फिर से आगे बढ़ा दी गई है, इस बात को सुनकर के हंसी क्यों आती है। और लिव इन रिलेशनशिप वाले जोड़ों के लिए दिल्ली सरकार सेफ हाउस बना रही है ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके पोटेंशियल ऑनर किलर्स से। ये बात हमारी सोसाइटी के बारे में क्या कहती है। न्योता वाले श्रोता में हमारे बनारसी लिसनर अनूप कुमार की चिट्ठी से एक बात निकली थी, उन्होंने पूछी नहीं थी पर वो बात बड़ी बातचीत को आमंत्रित करती हुई थी, और पिछली बार वो बात चूंकि बनारस अपने आप में इतना बड़ा विषय हो नहीं पाई थी, उन्होंने ये लिखा था कि वो टाइटल नहीं लिखते हैं यानी सरनेम नहीं लिखते हैं अपने नाम में क्योंकि किसी खांचे में बंधना उन्हें पसंद नहीं है। तो इस पर बात होगी। बिजारो तेजक खबरें भी यानी अजीबोगरीब खबरें भी हम चुनकर लाए हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन पहले मन मचल रहा है कि जो हाल में बीता हुआ मूर्ख दिवस है उससे शुरुआत की जाए। बाबा 1 अप्रैल को जो है मतलब देश भर में धूमधाम से 1 अप्रैल को इस बार मुशायरा लूटा। वैसे मैंने एक बार लिखा था कि फेसबुक पे कुछ बरस पहले कि पिछले कुछ वर्षों से मतगणना के दिन ऐसे हो गए हैं कि अब 1 अप्रैल का कोई औचित्य रह नहीं गया है। लेकिन 1 अप्रैल का दिन इस बार भी जो है ना सरकार ने ही मुशायरा लूटा। और जो आदेश वगैरह पारित हो गए थे कि पीएफ की ब्याज दर कम हो जाएगी, ये कर देंगे वो कर देंगे और ऐसे हो जाए, जेब कटनी वाली जो बात थी, और आप सोचिए कि 31 को सारे लोगों ने लिखा कि कल से आपकी ब्याज दर कम हो रही है, और सवेरे सवेरे सारे अखबारों को सरकार ने, क्योंकि आप बीप लगाते हैं तो मैं कह देता हूं कि सरकार ने तमाम मीडिया संस्थानों खासकर विशेषकर अखबारों को तिया बना दिया था। तो अप्रैल फूल इस बार जो है वो हुआ, वो गया पाले में सरकार के। सरकार ने ये क्यों कहा कि नहीं वो गलती से हो गया था, उनको सिंपली कहना था कि अप्रैल फूल। उनके उनके पर्व कैलेंडर जो है सरकारी वाले उसमें अप्रैल फूल का जिक्र नहीं है, तो इस वजह से इन कतिपय कारणों से वो उसको आधिकारिक रूप से कह नहीं सकते थे कि दरअसल वो अप्रैल फूल बना रहे हैं। हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो अप्रैल 1 को शुरू होता है, इसीलिए शुरू होना है कि 365 दिन तुम्हें बेवकूफ बनाना है, इसलिए उस दिन को शुरू होता है कि फूल्स डे है, फूल्स डे को ही आपके पैसे का हिसाब किताब शुरू करते हैं। इस दिन होता क्या है? दूसरा एक भाई है अपना जो कि राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सबको फूल बना रहा है, फूल नहीं बना रहा है। लोग उल्टी गलती करते हैं, शहरवा लोग फा को फा बोलते रहते हैं, मैं यहाँ पे फा को फा बोल रहा हूँ। और ये करते हुए मुझे विशाल भरद्वाज की कमी नहीं याद आ रही। बहरहाल तो इसमें जो दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे फूल बनाने वाला जो जीव है वो है कोरोना, कि जब पूरी दुनिया में वैक्सीन जो है वो भंडारे की तरह बांटी जा रही है, लोगों से कहा जा रहा है कि भैया आओ प्रसाद पाओ, उस टाइम पे उसने दोबारा एक बार लोगों को वैक्सीन को और तमाम सारे कॉन्फिडेंस को धत्ता बताते हुए और खेल कर दिया है। तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो है वो भी सिमट के अपने दायरों में अपने दलबों में बंद हो गए हैं। ये कितनी अफसोसनाक बात है कि पिछले एपिसोड में मुझ जैसा आदमी जो आद्योपांत चर्चा कोरोना होली की कर रहा था वो कोरोना के भय से घर में अपने दलबे की तरह बंद था। वो ये है कोरोना ने भी हमको फूल बनाया, ये कहते हुए कि हम जा रहे हैं, हम जा चुके हैं, वो हम जा रहे हैं, जाने वाले हैं, जा चुके हैं, और अभी सडनली अप्रैल फूल कर दिया कि नहीं गया वापस, और हालत बहुत खराब है। एक शेर भी फूल्स डे के लिए मैं पेश कर देता हूँ कि फूल लेकर फूल आई, फूल कर मैंने कहा, फूल क्यों लाए हो साहब, तुम तो खुद ही फूल हो। अब इसमें जहां पे आपको नुक्ता लगाना है फॉर्म में लगा लो, मैं लगा ले। रंग बदरंग हो जाए ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो, जब मैं खुद हो गई हूँ तुम्हारी तो मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो। वो एक और है वैसे फूल्स डे के लिए, अहमकों की देख बनाई है आज, मेरा हर एक दोस्त हर जाई है आज। एक अपने मित्र हैं, उन्होंने बड़ी मजेदार बात लिखी, मतलब चूंकि ये भी एक है मूर्ख दिवस पे, न सिर्फ हम एक दूसरे के भीतर छिपे हुए मूर्ख को दाना डालते हैं और जब वो फंस जाता है ताली बजा कर कहते हैं अप्रैल फूल बनाया बड़ा मजा आया,
बल्कि ये भी करते हैं कि अपने भीतर के व्यंग्यकार को भी तलाशने की कोशिश करते हैं। तो उसी लहजे में उन्होंने लिखा कि ये कहने पर वैसा, मतलब आज मूर्ख दिवस है, ये कहने पर वैसा गर्व और उत्साह अनुभव नहीं होता जैसा ये कहने पर कि आज स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन मूर्खों की अपनी स्वतंत्रताएं हैं और वो किसी के लिए गर्व का विषय हो ना हो, वे उत्साह में सदा रहते हैं। आखिर ये मूर्खताएं ही तो हैं जो उन्हें समझदारों से अलग करती हैं। अविनाश है अपने एक मित्र, उन्होंने लिखा, मुझे बड़ी मजेदार बात लगी। लेकिन ये कि बाबा आपके साथ कभी कोई पुराना अनुभव है, मतलब कि आप पर किसी ने प्रैंक किया हो या आपने किसी पर किया हो? हाँ, मैं इसी पे आना चाह रहा था। तो जो मैं एक वाक्य बोलना चाहता था कि अप्रैल फूल हमने तब जान लिया जब हम स्कूल जाना शुरू हुए, क्योंकि बचपन में पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में हुई। तो अप्रैल फूल जो है वो बहुत ही शुरुआत के दिनों में, मतलब नेकर बांधने की समझ, बेल्ट लगाने की समझ, कमीज के बटन बंद करने की समझ और अप्रैल फूल, ये सब एक साथ ही आए। ये प्रैंक जो है ना, ये भी हाल फिलहाल है ना। हम लोग बचपन से पढ़े थे फ्रैंक, है ना, कि बड़े फ्रैंक हैं, अचानक से प्रैंक आ गया है ना। तो ये जो प्रैंक आया है, और ये प्रैंक आजकल के बच्चे कर रहे हैं, हमारी उम्र का कोई आदमी प्रैंक करता भी है ना। अच्छा, वाले एक ये रायबरेली वाले टोन में प्रैंक जो है ना, वो एक अलग ही फील आ रही है। जैसे अभी कानपुर से मैं लौटा हूँ तो वहां वो कहते हैं कि बैनी फिट नहीं रहता है। हाँ, जैसे तो मैंने बताया था कि का टेम भा है, वही वाली बात है। का टेम भा है। तो जो प्रैंक होना शुरू हुआ है ना जैकिया टाइप हमारे साथ, और ये नान नान भर के गदेला कर रहे हैं कि छोटा सा बच्चा दरवाजे के पीछे, हमारे घर के ठीक सामने एक बच्चा रहता है, वो अक्सर बेल बजाता है और उसका भाग जाता है घर में अपने। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो उसके 10-15 सेकंड बाद वो अपना दरवाजा खोलता है कि अंकल मैं प्रैंक कर रहा था। ये इस तरह की जो चीजें है, जो नया प्रैंक होने लग गया है, तो वो एक नई चीज है। तो भाषा की दृष्टि से या शब्दावली की दृष्टि से ये एक नई चीज हुई जो हमारे बचपन में नहीं होती। तो फूल जो है प्रैंक हो गया है, ये एक चीज हुई है। बाकी अप्रैल फूल की ऐसी कोई बड़ी घटना याद नहीं आती है। एक बार की बस बात ये याद आती है कि अपने भाई को लेके मैंने कुछ कहा था कि उसके साथ ऐसा सा कुछ हो गया है, और इस बात पे अप्रैल फूल के दिन हमने माता जी से कहा, उसका बहुत मन भर पीटे गए थे बचपन में याद। क्योंकि कुछ गलत कहे तो उनका ऐसा लगे इस तरह की बात को हमसे कर रहे हैं, मजाक है ये सब। फूल बनाने गए थे, फुला दिए गए। फूल बनाने गए थे, फूल गए। हिंदी में ज्यादा समझने के लिए उसको सूजना भी कह सकते हैं। तो फूल जे की जगह जो है ना, वो मेरे लिए सूजी है, हो गया। हाँ, इसमें एक मतलब आखिरी सब आप करने के लिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा सा पहले से एड्रेस किया, लेकिन थोड़ा सा और पिन पॉइंट करके इसको रख रहा हूँ कि कौन किसको मूर्ख बनाता है इस दिन? क्या सब लोग सबको मूर्ख बना रहे हैं, या हम सब पहले से मूर्ख हैं और मिलजुल कर अपने एक नेचुरल नैसर्गिक गुण को सेलिब्रेट करते हैं इस दिन? होता क्या है, क्या हम सबके भीतर एक मूर्ख होता है जिसको इस दिन शक्ति और ऊर्जा मिल जाती है? लोग सब दिन समान रूप से आजाद है, लेकिन वो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लोग सब दिन प्रेम करते हैं, लेकिन वो वैलेंटाइन डे मनाते हैं। लोग सब दिन संविधान की परिधि में रहते हैं, लेकिन वो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी तरह से लोग सब दिन मूर्ख बनते और बनाते हैं, लेकिन वो एक दिन मूर्खता दिवस मनाते हैं। तो ये दिवस बाकी दिवसों से अलग नहीं है। हम और आप रोज हिंदी का कार्यक्रम, हिंदी भाषा में ही नौकरी कर रहे हैं, हिंदी का ही कमा खा रहे हैं, लेकिन हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग। उस पर बातचीत भी कर लेते हैं, 3 ताल भी कर लेते हैं, तो तभी क्यों करते हैं, बाकी दिनों में क्यों नहीं करते? तो ये दिवस मनाने की जो परंपरा है, दरअसल मूर्खता एक बहुत शाश्वत चीज है, सर्वव्यापी है। इंसान जहां जहां है वहां वहां पे मूर्ख बनाने का क्रम चल रहा है। कई जीव जंतु भी मूर्ख बनाते हैं। छुई मुई का पौधा मूर्ख बनाता है। अमीबा जो है, अगर उसको आप CCTV लगा करके रिकॉर्ड कर लें कि कौन सा अमीबा घुसा था, तो आप उसको खोज नहीं सकते भाई साहब, वो चेहरे बदल देता है, आकार बदल देता है। कितने पक्षी ऐसे हैं जो रंग बदल लेते हैं, कई पक्षी आवाज बदल लेते हैं, खरगोश मरने का सॉन्ग करता है। कई ऐसे पक्षी हैं जो कि जीव है जो कि वृक्ष की डाल या पत्तियां या किसी काई लगे हुए पत्थर पे अगर होते हैं तो उसके अनुरूप दिखने लगते हैं। तो ये प्रैंक की परंपरा जो है बहुत पुरानी है। जीवन जो है हमारा, हम सभी का जीवन जो है वो सिर्फ इसमें बीत जाता है कि कोई मूर्ख ना बना दे जब हम सबको मूर्ख बना रहे हों।
मुझे लगता है कि जीवन के दो ही सत्य हैं, एक फ्रैंक है और दूसरा प्रैंक है। जी या तो फ्रैंक है जब वो जबर है, और या फिर वो प्रैंक है जब उसके साथ खेल हो गया है। इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। प्रैंक और प्रैंक दो ही स्वांग है, दो ही स्वांग है। आदमी दो स्वांग रचता है, एक होशियार होने का, एक मूर्ख होने का। तो कभी कभी होशियार आदमी वो वही होशियार होता है जो मूर्ख वक्त पर बन सकता है, दिख सकता है, लग सकता है, और दूसरों को यकीन दिला सकता है। बिल्कुल, सबसे होशियार व्यक्ति वही है जो मूर्खों के बीच भी मूर्ख बन सके और होशियारों के बीच भी मूर्ख रह सके, क्योंकि उससे उसकी सुग्राह्यता एकदम वो पॉजिटिव टाइप हो जाती है। सबसे सुग्राही टाइप, सबसे मतलब सबके लिए उसके पास कुछ ना कुछ है। सही। तो वो एक अवस्था है। दूसरा ये है जो गर्व की बात है, मुझे लगता है कि मूर्खता गर्व नहीं, आनंद का विषय है, स्टेट ऑफ माइंड है, प्राउड नहीं है। मूर्खता एक स्टेट ऑफ माइंड है, क्योंकि मूर्खता अगर जानबूझ के हो रही है ना तो वो स्वांगचरित है, अन्यथा मूर्खता एक मानसिक अवस्था है जिसमें मूर्ख को ये पता नहीं होता है कि वो मूर्ख है, लेकिन वो मूर्ख होता है। धरती पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मूर्ख नहीं हो। वही कह रहा था, है ना, सबके अपने अपने प्रतिशत है या अपने अपने संदर्भ है। और वैसे भी अब इतने होशियार लोग यहाँ वहां बैठे हुए हैं कि मूर्ख रहना ही बेहतर है, सबसे बेहतर है मूर्ख रहना। मूर्खपन में सब निकल जाए। मूर्खपन में एक लड़कपन है। होशियार आदमी बहुत व्यस्क होता है और अयस्क सा होता है मूर्ख। अयस्क से ना बहुत कुछ बनाया जा सकता है, व्यस्क तो बस ओवर द हिल जाना ही उसको। ठीक है, मूर्खों से अलग समझदार की बात करते हैं, और समझदार तो सरकार ही होती है, और सरकार ने बीते दिनों ये तय किया कि दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा इस बार। ये बात भी किसी मूर्ख ने कही होगी बहरहाल। दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार जो है वो साउथ इंडिया के सुपरस्टार रजनीकांत को दिया जाएगा। तो इसी बहाने थोड़ा रजनीकांत पे बात करते हैं। ताऊ, मतलब रजनीकांत के बारे में आपका आख्यान क्या है, मतलब उनका सफर, उनकी उनकी सफलता, उनका जो एक लार्जर देन लाइफ छवि है लोगों के मन में, वो किस बात की प्रतीक है, वो हमारे बारे में क्या कहती है? वो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि लार्जर देन लाइफ छवि जो है सिनेमा की होती है। यथार्थ के धरातल पे उनको भी एहसास हो गया कि वो उतने लार्जर देन लाइफ नहीं है जितना उनको बनाया जाता है, ये हकीकत है। उन्होंने कदम सोच रहा था राजनीति में रखेंगे, 5-6 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई, कई तरह की बातें की, और बाद में जो है वो पीछे हट गए। उसका कारण यह भी था कि वो लार्जर देन लाइफ वो सिनेमा का चित्र है, काल्पनिक है। पर ऐसे बहुत कम अभिनेता होते हैं और अभिनेत्रियां होती हैं जिनको इतना सम्मान और इतना प्यार लोग देते हैं। उसका एक कारण यह भी था कि एक आदमी जो साइड रोल करता था, छोटे छोटे रोल करता था, कन्वेंशनल रूप से सुंदर जिसको बोलते हैं वैसा नहीं था, उनके बाद सबको कॉन्फिडेंस आया, लोगों को उनके उसके बाद बहुत सारे हीरो आए। जब कमल हासन की फिल्मों में वो साइड रोल करते थे शुरुआत में, क्योंकि कमल हासन तथाकथित रूप से जो कन्वेंशनल विजडम होता है उसके हिसाब से हैंडसम थे, और रजनीकांत नहीं थे, श्याम वर्णी थे, और पर उन्होंने जो चरित्र निभाए शुरुआत में, उनके पहले के दौर में जो है लोग भगवान का चरित्र निभाकर, एनटी रामाराव, एमजीआर, ये सब इतने बड़े इसलिए बने क्योंकि वो देवताओं का रोल करते थे, और राजकुमार इन कर्नाटका कन्नडा में देवताओं का रोल करते थे, जैसे अरुण गोविल को पूजना शुरू कर दिया था लोगों ने ना, वैसे ही वो पूजनीय हो गए थे। रजनीकांत ने ऐसा कुछ नहीं किया, रजनीकांत ने बिल्कुल उसके ऑपोजिट मेहनत कश आदमी का किरदार निभाया, ऑटो वाला, मैकेनिक, समझ रहे हो, एकदम गरीब आदमी, उससे आदमी तुरंत रिलेट करता था। और रजनीकांत एक तरह से और बहुत सारे लोगों को एक साथ पीट सकते थे, और हर फिल्म में एक सामाजिक मैसेज होता था, मैसेजिंग होती थी, सिनेमा के नजीर अकबराबादी साबित हुए। हाँ, सब ऑल्टरन वर्क की तरफ से वो एक मैसेज देते थे लोगों को। तो वो सडनली उन्होंने सब कुछ परिवर्तित कर दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि 40-45 साल से वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। पर वो राज जो उनका है वो एक तरह से एक मिथ भी बन गया, वो एक मीम भी है। जैसे मेरे जनरेशन के पहले से लोग उनको पसंद करते थे, मेरे जनरेशन में भी हम लोग भी पसंद करते थे, और उसके बाद के जनरेशन भी पसंद करते हैं। एक तरह से वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं मीम। उसका कारण ये है, यही जो है ना कि दादा साहब फाल्के को अब एक
रजनीकांत मिल गया या हाँ कि मतलब घर आया चल के राजदादा साहब फल के हाँ, ऐसा हो तो उनके साथ नाम उनका बस गलत है, लेकिन ताओ हमको लगता है कि नाम गलत है रजनीकांत का, उनका नाम रजनीकांत नहीं हो सकता है, उनका नाम रजनीकैन होना चाहिए। हाँ एक जमाना था सारे एक मतलब उनके जोक्स का बाहर आई थी याद है, मतलब कुछ 6-7-8 साल पहले कि वो जोक्स अभी भी चलते हैं। इनफैक्ट जब कोरोना हुआ तो यही था ना कि कोरोना को रजनीकांत भगा सकते हैं, काश काश रजनी का कोरोना को रजनीकांत हो जाए तो वो सब चीज से मुकाबला कर सकते हैं। और इसीलिए शायद वो अब है कि उनपे बहुत सारी स्टडी हुई है, बहुत सारे लोग इस फेनोमेनन को स्टडी करते हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या कारण था उसका। पर मैं समझता हूं कि उन्होंने सबाल्टर्न वॉइस को रिप्रेजेंट किया उस युग के बाद जब बड़े कलाकार जो वो देवता होते थे, देवियां होती थी, और जो धार्मिक मेलोड्रामा होता है उसका प्रचलन था। उसके बाद ये जमीन की कहानियां इन्होंने लानी शुरू की और सुपरस्टार हो गए। बैठते वहां सुपरस्टार अब दूसरे को नहीं बोल सकते, दक्षिण में आप सुपरस्टार रजनीकांत को ही बोल सकते हैं, इसलिए सबके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे पुनीत का नाम पावर स्टार है, किसी का नाम मेगा स्टार है, लेकिन वो अब वो बांट लेते हैं आपस में। अच्छा, तो सुपरस्टार रजनीकांत। एक बार वो नहीं, ठंड इधर बहुत हो गई थी नॉर्थ इंडिया में, तो ये चला था कि इतनी ठंड इसलिए हो रही है क्योंकि रजनीकांत अपने फ्रिज का डोर खोल करके भूल गए हैं। याद है बाबा, आपने देखी है रजनीकांत की फिल्में? हाँ हाँ, हमने कई फिल्म उनकी देखी है, अधिकतर देखे हिंदी वाली देखी है, और उनकी रोबोट रोबोट भी हमने थोड़ी सी देखी है चलते फिरते, और उससे मैं थोड़ा सा बोर होके भाग गया। लेकिन बम बम चिक चिक बम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, है ना, हम पिक्चर में वो गाना जिसमें रजनीकांत के ब्याह या किसके तो ब्याह के लिए अमिताभ बच्चन के जूते के तल्ले में वो कर्नल साहब छेद देख लेते हैं, तो वो वाला दृश्य मैं नहीं बोलता हूँ। रजनीकांत की एक दो फिल्में और हैं, तत्काल कुछ याद बहुत नहीं आता है क्योंकि हमारा जो टेस्ट है सिनेमा का उसमें रजनीकांत बहुत फिट नहीं बैठते हैं, और इसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूँ, आप लोग पता ही इससे प्रभावित हो। मुझे बहुत तिड़ी झांवड़ा एक्टिंग, हाथ पैर चलाने वाला, फैट बाजी करने वाला आदमी बहुत पसंद नहीं है, है ना, जो उलार के सिगरेट मुंह में लपक ले, है ना, और चश्मा जाए और व्योम से टकरा के वापस उसकी आंखों पे सट जाए, है ना, या जो कमीज को केवल ऐसे करके पकड़े और पूरी कमीज देर से बाहर हो जाए। अरे कितने लोंडों की सिगरेट नाली में गिरी है उसी के चलते, नीचे गिर गए, उसको इतने साल बाद फैजल खान तक को करना पड़ा तो 2 अटेम्प्ट लगे। हाँ, तो मुझे ये लगता है ना कि मतलब ये कर्तव्यबाजी देखने के लिए सिनेमा देखने में मेरी रुचि कभी नहीं रही है, और ऐसी धारणा मेरी डांस को लेके है, नृत्य को लेकर के है, कि अगर चेहरे पे भाव नहीं है तो ये सुबह सुबह स्कूल की पीटी करने से कोई डांसर नहीं बन जाता है, है ना, कि पेट में कब्जियत है और मुंह सड़ा हुआ है और उसमें, है ना, हम मिले तुम मिले एक दूसरे के लिए टाइप गाने पे जो है आप हाथ चलाना शुरू कर दें, कमर हिला दें, है ना, थोड़ा सा 2-4 गुलाटी खा जाएं, नीचे बैठ करके पैरों को एक दूसरे के साथ क्रॉस करके नचाने लगाएं, है ना, या बंजी जंपिंग टाइप कुछ शुरू कर दें, हवा में 3 गुलाटी कुलाचा भर के उसका फिर वापस धरती पे दोनों पैरों पे खड़े हो जाएं, या ब्लैक बेल्ट के सारे स्टेप्स को जो है आप डांस में उतार दें। तो ऐसे लोगों से ज्यादा मुझे लगता है कि कोई शांत चित्त व्यक्ति नाचे जिसके चेहरे पे थोड़े बहुत भाव हो, थोड़े बहुत हाथ पैर भी चले। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद कथक का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं उस तरह से उसको देखता रहा हूँ कि भाव प्रधान नृत्य में एक्सेप्ट करता रहा, इसीलिए हमारी जो पसंद थे उनमें बिल्कुल एकदम मुख्तलिफ तरह के लोग थे। जैसे राजेश खन्ना इस तरह के फैटबाजी नहीं करते थे, कम कर पाते थे, संजीव कुमार से तो होता ही नहीं था कुछ, है ना, लेकिन ये सब लोग हमको गंभीर लगते थे, हमको लगता था ये लोग ठीक है। लेकिन सिनेमा तो चली ठीक है मतलब उनका, लेकिन जो असली सिनेमा है दूसरा, जो असली जो दुनिया और समाज की कहानी है रजनीकांत की, उसमें उसी में उनका नाम सही साबित हुआ है कि रजनीकांत, क्योंकि सिनेमा में तो रजनीकैन है। और ये ऐसा ही होता है कि आप शहर के सबसे मशहूर फालूदा बनाने वाले हैं, लेकिन आप पिज्जा की दुकान खोलने जाएंगे तो कोई 1% भी गारंटी नहीं है कि वो चल जाए, हो सकता है चल जाए लेकिन वो बाय चांस होगा प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बेसिस पे, क्योंकि लोग आपसे फालूदा ही चाहते हैं। तो रजनीकांत को भी ये बात समझने में समय लगा कि लोग उनके फालूदा की भी रिस्पेक्ट तभी तक करेंगे जब तक वो फालूदा ही बेच रहे हैं, या फालूदा बेचते थे कि गरिमामय संन्यास की अवस्था में वो पहुंचते हैं। रजनीकांत ने इसलिए तो डिसीजन किया बाबा, रजनीकांत ने इसलिए डिसीजन किया कहीं उनके पिज्जा के बिजनेस का फालूदा ना बन जाए। हाँ, मुझे लगता है सौरभ गांगुली भी इसी चक्कर में अपने आप को बचाए हुए हैं कि कहीं
जो क्रिकेट की वजह से वो घर घर पूजे जा रहे हैं, कहीं उससे भी वो वंचित हित कामनी सभा में ना पहुंच जाए। एक और चीज है कि वो उन्होंने रियलाइज किया रजनीकांत ने या जो भी, लेकिन क्या ऐसा भी है इसमें दूसरा फैक्टर कि जो एंट्री से पहले ही उनका एग्जिट हुआ पॉलिटिक्स से, कहीं ऐसा तो नहीं कि रजनी को गजनी बनाने वाले और फिर उनको मैदान में आने से रोकने वाले एक ही लोग थे, एक ही नजर आते हैं? यार एक ना हम लोगों में वो भी है, मतलब दक्षिण में भी है ये, पर उत्तर में खास करके हमारे दिमाग में एक इमेज है कि जो लोग सिनेमा में हिट है वो राजनीति में हिट होंगे, है ना, क्योंकि उनके पास उदाहरण है MGR, करुणानिधि और जयललिता। ऐसा वास्तव में है नहीं, जनता अभिनेताओं को अभिनेत्रियों को उतना भाव नहीं देते जितना कि हम लोग सोचते हैं। कमल हासन की देख लो, बेचारे 10 साल से लगे हुए हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं है वो, कुछ नहीं हुआ। कैप्टन विजयकांत DMDK वाले, उनका क्या हो रहा है, यहाँ वहां लोगों का हाथ पकड़ करके किसी के भी साथ जुड़ जा, ओवैसी के साथ लड़ रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है, ये मुगालता बिकॉज पब्लिक ऐसा बिलीव करती है तो कभी कभी उनको भी विश्वास होने लगता है। ये मुगालता रजनीकांत को था कि शायद मैं जितना बड़ा दिखता हूँ उतना ही बड़ा होऊंगा, लेकिन उन्होंने उनको किसी ने समझाया कि भाई साहब देखो आपके पहले भी एक्टर लोग यहाँ पे जमे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा। और ये स्टार अपील को सर लगातार आप देखें तो भुलाने की कोशिश तो होती है, जैसे हेमा मालिनी है, सनी देओल है, किरण खेर आई थी, परेश रावल आए। एक एमपी बन सकता है वो तो रजनीकांत, एक जगह से एमएलए एमपी बन सकता है। कमल हासन रजनीकांत तो रायबरेली से भी एमपी बन जाएंगे। आप पार्टी की सोचे, अगर आप एक पार्टी की स्थापना करके चाहते हैं कि राज्य की सत्ता में आ जाएंगे तो MGR वाला युग चला गया है ना, ये बात इन सबको इस बात का एहसास है। अमिताभ बच्चन एमपी बन गए थे लेकिन फिर क्या कर पाए राजनीति में, या राज बब्बर या शत्रुघ्न सिन्हा है ना, पटना नहीं जीत पाते हैं जो कि उनका घर है, बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं। उस बात को अगर देखें तो भाई साहब वो जीतते तो खेसारी लाल यादव को खड़ा कर दोगे तो जीत जाएंगे वो आजमगढ़ से, लेकिन निरहुआ हार गए ना। हाँ तो ये चीज हमको भी थोड़ी सी, हम लोगों को भी, पत्रकारों को भी और बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसा है नहीं कि जनता जो है, जनता को बेवकूफ बनाना बहुत कठिन काम है इस देश में, क्योंकि वो मूर्ख बनी रहती है, उसको उसको पता है अप्रैल फूल होने वाला है ना, और हो करके 70 साल हो गए, तो उनको ये प्रैक्टिस हो गई है, उनको पता है कोई नुसरत जहां आएगी वो यहाँ पर 4 ड्रामे करेंगी और हम उनको चुन लेंगे, पर उनको यह भी पता है कि वो नुसरत जहां को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, है ना। और रजनीकांत सिर्फ एक MLA और MP तो बन नहीं सकते थे क्योंकि उससे तो बहुत बड़े हैं वो। अमिताभ बच्चन ने सही टाइम में पांव खींच लिए अपने, नहीं तो उनकी दुर्गति होने वाली थी राजनीति में, हो ही गई दुर्गति उनकी राजनीति ने, तो क्या किया, उनकी रही सही इज्जत भी खत्म हो गई। जो फिल्मों से कमाया है उसको बस संजो के रखो, मौसम खराब है, कोरोना चल रहा है, खतरी लेक चलो अपना मास्क पहन के चलो, टोपी संभालो, हवा चलती है, हवा तेज है, क्या नाम क्या था अग्निपथ में वो डायलॉग, हवा तेज है टोपी संभालो। बिजार स्टोरी एक ले लेते हैं, कानपुर से आई है, कानपुर देहात से। एक शादी वहां हुई, बड़ी चर्चा में रही वो शादी, दूल्हा और दुल्हन ने शिव पार्वती का रूप धर के साथ फेरे लिए। हिमांशु और मानसी दोनों जो हैं वो कीर्तन मंडली में कलाकार हैं, दोनों ही कानपुर के रहने वाले हैं और कानपुर देहात के शिवली शिव मंदिर में उन्होंने विवाह रचाया। और हिमांशु और मानसी अपनी भजन मंडली में शिव और पार्वती का रूप रखकर ही अभिनय करते हैं। तो शिवली क्या वो विकास दुबे वाला शिवली, वही होगा क्योंकि कानपुर देहात में, और नहीं वो तो बुकरू है, नहीं बुकरू उसका गांव है, शिवली थाने में तो उस शुक्ला जी को के सीने में गोलियां उतारी गई थी, बुकरू वही होगा, एक ही होगा कानपुर देहात में, एक ही शिवली है। तो ये दोनों ने, चूंकि ये वैसा मतलब इनका पेशा भी वही है जिसमें वो शिव और पार्वती का रूप रखकर अभिनय करते हैं, तो उसी तरीके से इन्होंने शादी करने का फैसला किया। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, जो बाराती शामिल हुए शादी में, जो दोस्त थे उनके, वो शिव के गण और भूत प्रेत का रूप धर के आए। तो ऐसी किसी शादी में शामिल हुए हैं आप, ताऊ कभी या सुना है पहले? आप ये सोचे ना कि किसी को कपड़े पे खर्चा नहीं करना पड़ा, कीर्तन मंडली की सारी प्रॉपर्टी यूज हो गई और शादी की शादी हो गई, और आउटस्टैंडिंग इतनी कि आज तक के 3 साल में उस पर चर्चा हो रही है। गांजा जो फूके सो अलग। हाँ, ऐसे कोई गांजा पीता शादी में तो पुलिस वाले बाहर का सोटा टाइट कर देते, और अभी उन्होंने चिलम बलाई होगी पुलिस वाले, प्रसाद है वो भी 2 फूक मार के टाइट हो गए। तो आपने कभी देखी ऐसी कोई अजीब गरीब तरह की शादी, इस तरह के हेलीकॉप्टर वगैरह तो बहुत सुना है, लेकिन मैं कई ऐसी शादियों में रहा हूँ जिनको की सामान्य मानविकी की चेतना में अजीबो गरीब माना जाता है। जैसे संस्कृत से और अमृत से मानविकी पे आ गया हूँ। तो
सामान्य मानव चेतना में जो शादियां मानी जाती हैं और जिन शादियों को शादी कोई नहीं मान सकता है, उस तरह की शादियां मैंने अटेंड की है। मसलन दिन की शादियां, मसलन की केवल फूल से मेकअप और साज श्रृंगार की शादियां, की कोई हार वार नहीं पहना जाएगा, केवल घर सजे हुए होंगे, लोग अपना सामान्य कुर्ता पजामा पहनेंगे और गहनों या श्रृंगार के लिए फूल ही इस्तेमाल किए जाएंगे। तो फूल का मंडप, फूल की मालाएं, लड़की के हाथ में जगह जगह शकुंतला वाला मेकअप जो है, शाम फूलों की रात फूलों की, हाँ शाम फूलों की रात बारात फूलों की। तो हम लोगों ने कहा गया सवेरे से अगले सुबह तक लोग फूल है फूल हो एकदम सवेरे से आज या तो फूल पे बात हो रही है या फूल्स पे बात हो रही है। हाँ, दूसरी शादियां मेरी कुछ मित्रों की हुई हैं जिसमें मैं गया हूँ, तो उसमें ऐसा भी रहा है कि फटी हुई जींस, हवाई चप्पल, पिंक फ्लॉयड के शाइन ऑन यू क्रेजी डायमंड वाले छपी हुई खींचे गले वाली टी शर्ट पहन के, और अंसारी रोड दरियागंज थाने के पीछे जो एसडीएम का ऑफिस है वहां पे शादी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ऐसी भी कुछ शादियां देखी हैं। कुछ एक शादियां इस तरह की रही हैं जो कि शादी है नहीं, जिन्होंने ये तय किया कि वो लीगल और सोशल किसी भी तरह की शादी नहीं करेंगे। तो इस तरह की भी एक दो शादियां अटेंड की और उन लोगों ने अभी तक शादी रजिस्टर नहीं कराई है। उन लोगों ने कहा कि हम दोनों लोग आज सबके सामने एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और सामान के एक माला एक दूसरे के गले में डालिए, उसके बाद फिर वही रोज का खाना, वही कोरमे, वही बिरयानी, वही केक या वही मिठाइयां, वही पान और वही दस्तूर, वही नाच गाना, वही वोदका, वही। और शादी है क्या, चार लोगों के सामने एक दूसरे को स्वीकार करना ही शादी है। मंत्र वंतर पढ़ने से, मंत्र को अगर हिंदी में कर दो तो बहुत ही सामान्य सेंटेंस लगता है वो। हाँ, मंत्र में कुछ मंत्र जैसा होता नहीं, यंत्र नहीं है उसमें, मंत्र जो है वो यंत्र विहीन है। तो मैंने इतने दिन पूजा पाठ करके एक ही चीज समझा कि हर मंत्र दरअसल केवल देवताओं की स्तुति कर रहा होता है, उस स्तुति में तंत्र कहीं नहीं है, यंत्र कहीं नहीं है। मंत्र जो है केवल वीर गाथा काल से पहले लिखा गया वीर गाथा कालीन साहित्य है, जिसमें कि केवल स्तुति गान है और कुछ भी नहीं है किसी भी मंत्र में। तो वो हो रहे होते हैं और दो लोग साथ रहे तो जो जो लोग उनके ऊपर फप्तियां कर सकते हैं कि कारे और करे संगे, उन सारे लोगों को बुला के एक बार सोशली बता दो कि भैया हाँ आना ही के संगे है ना। परफेक्ट परफेक्ट डिस्क्रिप्शन। एक बार बता दो फिर आगे, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो कहेंगे जान था पाठक बिटवा शर्मा बिटिया के साथ है रात भैया, न ब्याह की न के बुलाए न बताए न कारण न फेरा, ये देखा कलयुग के अंधेरा। पाठक जी के बेटे और शर्मा जी की बिटिया ने कान छपवा करके और नीचे अपने भांजी को भी शामिल करके कि मेरी बुआ की छादी में जुलूल जुलूल आना, वैधानिक मान्यता ले लेना, एकदम वैधानिक मान्यता ले लेना। मानस के राजहंस तुम भूल ना जाना। वो गुल्लक फिल्म में है नहीं, गुल्लक कवि ने लिखा है यार, ये किस कवि ने लिखा है। गुल्लक में वो नाराज होता है किरदार, छोटा भाई उसका कहता है कि मम्मी हमें तो सपरिवार लिखा नहीं उन्होंने, ये तो हंसों को बुला रहे हैं। नहीं, और इससे बढ़िया पंचायत में भी बहुत बढ़िया दृश्य उतारा है उन्होंने ब्याह का, वो पंचायत सेक्रेटरी वाली कुर्सी लाई गई कि हाँ कि नहीं नहीं चक्का वाली कुर्सी चाहिए, गजब बेइज्जती है। उसके बाद वो परिवर्तन वाला जो से पहले वाला जो शब्द इस बीच आया है वो बोला कि ये हमको ये बोला था, चलो बेटा तुम भी यही बोल दो, एक नंबर के। एक तो है कि आप बचपन से जो है बच्चे को बड़ा करते ये कहते हैं कि इसके फेरे में ना पड़ो, उसके फेरे में ना पड़ो, फेरे में ना पड़ो, अब फिर बोलते हैं सात फेरे पड़ो। और सात फेरे में सात जन्मों का फेरा होता है, पूरी पूजा की जो व्यवस्था है वो ये कहती है कि आप सात जन्म तक इस फेरे में रहेंगे। तो हम हर बार लोगों से पूछते हैं कि पिछले छह जन्मों में भी ऐसे फेरा लेते रहे सात का वादा करके, और मतलब क्या ये आठवां जन्म है जिसमें फेरा ले रहे हैं। और उसमें ना वचन होते हैं बड़े अजीब गरीब, वो भी बड़े मतलब उसमें ना समय के साथ बदलाव नहीं किया गया, तभी संगठन बदल लेते। उसमें अभी भी है कि पत्नी को वचन दिलाया जाता है कि शाम के बाद सूर्यास्त के उपरांत पति की आज्ञा के बिना अकेले बाग में नहीं जाऊंगी। यहाँ बाग है कहाँ। तो उनका आशय चार भाग, उनका आशय चार भाग था कि चार भाग से ट्रेन धर के मायके न चली जाए। पता चले इंटरसिटी पकड़ी कानपुर अच गई। तो वो संकट के चलते उन्होंने कह दिया कि बाग में नहीं जाना है, कालांतर में वो चार भाग कहलाया। और जितने बिंब है जो शब्द प्रयोग होते हैं ना वो भी अजीब है, वो बंधन में बंधते है, मतलब आजादी खत्म, अभी खुले नहीं, अब बंध चुके हैं।
आप गाय भी बंद गई, बैल भी बंद गया। हाँ, अब आप बैल हुए, पहले आप सांप थे। नारियल लीजिए, दोनों लोग खोपड़ी फोड़ लीजिए। हाँ, ये नारियल का समय समय इस्तेमाल करते रहे जीवन में एक दूसरे पे। लेकिन मेरा शादी में एक ही मानना है, हालांकि शादी पे बात शुरू हो गई जबकि हम लोग शिव पार्वती पे बात कर रहे थे। हाँ। और शिवली में शिव पार्वती के स्वयंवर और विवाह की बात हो रही थी। तो हम ये पहले भी हम एक बात बता चुके हैं कि ये शिव बनना कुछ आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है क्योंकि राजा बनने की प्रवृत्ति रही है ना हमेशा, द किंग एंड द क्वीन, है ना, ये राजा। कि क्योंकि हमेशा बचपन से आपको ये पढ़ाया जाता है कि एक दिन एक सपनों का राजकुमार आएगा पर वो सजी हुई सिंड्रेला को ले जाएगा, है ना, या राजकुमारी के मुंह में एक सेब है जिसमें कि जहर से बुझी हुई एक सुई है जो कि एक बुढ़िया डायन ने सेब में छुपा दी थी, वो उसके मुंह में फंसी है। वो घोड़े पे बैठा हुआ राजकुमार आया, उसने वो सेब का टुकड़ा मुंह से निकाला। मैं आज तक सेब की गुणवत्ता पे संदेह करता हूँ कि ये 7-8 साल तक सेब का टुकड़ा साला हूबहू मुंह में रखा रहा, न पत्थर गल, न सुई गली, न सेब गला, और वो टुकड़ा निकाल के फेंक दिया गया। लेकिन बंदा अभी भी भरे शहर में घोड़े पे आता है। हाँ, तो अच्छे अच्छे गधों को हमने घोड़े पे बैठे हुए देखा है भाई साहब। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि धरती पे गधा होना ज्यादा अच्छा है, घोड़ा होना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप घोड़े हैं ना कभी गधा आप पे बैठेगा, लेकिन आप गधे हैं तो घोड़ा आप पे कभी नहीं बैठेगा। वो है कि एक गाना था ना, देखा है पहली बार वो घोड़े पे गेंडा सवार, तो बचपन में मैंने कुछ बदमाश लड़कों को ये गाते हुए सुना था, वो याद है। लेकिन एक चीज है, ये रामलीला मंडली और भजन मंडली कीर्तन मंडली के जो किरदार होते हैं वो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, जैसे और बहुत क्रिएटिव भी लगते हैं, आकर्षित करते हैं बहुत। नहीं, लगते नहीं, एक चीज हमेशा कुलदीप उसमें आप बताएंगे, लेकिन मैं इसमें एक करेक्शन कर दूं कि सामान्य लोगों से ज्यादा स्नेह और आदर मेरे मन में इन लोगों के प्रति रहा है जो कि हमारे लोक परंपराओं में गीत और नाटक और ये आपकी नौटंकी या रास वगैरह से जुड़े रहे, क्योंकि ये एक मतलब क्रिएटिव विस्फोट के चलते ऐसा होता है कि वो अपने समाज परिवार और इन सारी की जड़ताओं और सीमाओं को लांग करके इस तरह का काम अपनाते हैं। ऐसा हिम्मत आप हम या ताऊ नहीं दिखा पाए कि घर से बागी कर हो करके और हम लोग किसी नौटंकी या बम्बई किसी भी जगह पे जा सकते थे। हम दोनों लोग तीनों लोग ऐसे परिवेश से आते हैं जहाँ पे गांव में नौटंकी भी होती थी और जहाँ बम्बई का सिनेमा भी देखा जाता था, दोनों ही आकर्षित कर सकते थे, उल्टे पांव लौटे। हाँ, ताऊ तो गए लौट आए और हम अभी तक कहते आ रहे हैं कि जाऊंगा जरूर, जाऊंगा जरूर। कपड़े के बाल सफेद हो गए, कखरी की बारी है, अभी जाऊंगा जरूर, जाऊंगा जरूर में पड़े हुए हैं। हमको लगता है कि कभी बोमेन ईरानी हम भी हो जाएंगे, है ना ईरानी, हालांकि बोमेन भी नहीं चल रहे हैं, दूसरे ही चल रहे हैं, लेकिन चलिए खैर वो बात। मूल बात यही है कि आदर इसलिए भी उनका किया जाना चाहिए क्योंकि अपनी सांस्कृतिक प्रश्नात्मकता को अमली जामा पहचान पहना पाने का साहस वो लोग करते हैं। उन लड़कों के बारे में सोचिए जो चेहरे पे आटे जैसा टेलकम पाउडर पोत के उसको गीला कर करके और उसके ऊपर रोज लगा लगा करके, है ना, और फाउंडेशन से अपनी चमड़ी को एकदम तान के और उसके ऊपर सफेद लाल बिंदी लगा करके मुकुट पहन के कभी सीता बनते हैं कभी राम। बाय द वे, कोई महिला नहीं होती है इस तरह की मंडलियों में इक्का दुक्का के अलावा। हमेशा महिलाओं की क्राइसिस रहती है क्योंकि महिलाओं के लिए तो ये और भी मुश्किल काम होता है कि उस तरह की मंडलियों का हिस्सा बन, तुरंत उनके बारे में दूसरी तरह की धारणा समाज में बन जाती है। तो ये बहुत ही हिम्मत का काम है, मुझे लगता है बहुत ही डेयरिंग काम। और बॉम्बे जाके आप सफल माने आते हैं, नौटंकी में गा के नाच के आप कभी सफल नहीं माने आते हैं। बॉम्बे इकारत ही मिलती है उनको समाज से, फिर भी वह इसमें लगे रहते हैं सिर्फ इसलिए कि जो भी विरसा है अपना उसको जिंदा रख सके। नौटंकी में नाचने वाले का बच्चा जब स्कूल से लौटता है तो कहे कि के मरलेस भैया, कह नचनिया का लौंडा मरलेस, नचनिया का लौंडा मरलेस। ये जो नचनिया शब्द है ना, ये बहुत ही विचित्र शब्द है। मैं 2-3 बार ऐसी अपने परिवार की और अपने बहुत खास लोगों की शादियों में गया हूँ जहाँ पे मैंने नाचने की इच्छा जताई गाने पे, तो मुझे कहा गया कि हमारे घर में लड़के नाचते नहीं है। अब ये अमरीश पुरी वाला भाव वाला डायलॉग जो हम लोग के सामने आता था, मन करता था कि ये बस जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी, चाहे घर में लगा के नाच तो पाए। मैं एक वाक्या सुना देता हूँ। हाँ। वो कभी कभी आपने वो देखते होंगे, पेंट जो है उनके चेहरे का उतरता नहीं है और वो फिर सामान्य जीवन में भाग लेने लगते हैं। हाँ, उसी में तो मजा आता है। हाँ, कि वो अब
तो इतनी भी वो उनके पास कोई वैनिटी वैन तो है नहीं। हाँ। तो वो ठीक खत्म हुआ, उसके बाद उसी में चले निकल पड़ते हैं घर या जहां भी, ट्रेन में बस में। सडनली एक आदमी आपको मिलेगा जो चल रहा है मगर वो किसी वेशभूषा में है या चेहरे पे पेंट लगा हुआ है, बिंदियां लगी हुई हैं। तो मैं जब एक बार मैं बहुत देर रात को शूट करके जा रहा था तो मेरे चेहरे पे पेंट पूरी तरह से पुता हुआ था। अच्छा। और हाँ, और मुझे एक चेहरे पे जो कैरेक्टर था उसके एक मार्क भी था मस्सा, तो उसके लिए जो बिंदी लगाती है महिलाएं वैसे काली सी बिंदी मुझे लगा दी गई थी इधर, है ना, गाल पर। और मुंह पे लिपस्टिक लगाते हैं पता नहीं क्यों, गोविंदा भी लगाते हैं, रणवीर कपूर भी लगाते हैं, सबको लगाना पड़ता है एप्रेंटली वो स्क्रीन पे ना थोड़े से आपके होंठ क्लियर दिखते हैं, तो लिपस्टिक भी लगा दी। और फिर शूट खत्म हुआ, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, डायरेक्टर ने कहा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो उनका घर धौला कुआं था, मैं रहता था पश्चिम बिहार में, तो उन्होंने कहा, मैंने ही कहा उनको कि क्या आप उतनी दूर जाओगे फिर आओगे, आप मुझे यहीं उतार दो, मैं यहाँ से ऑटो ऑटो ले लूंगा। तो तब तक मैंने अपने आप को देखा नहीं था किसी मिरर में, मैं ऑटो में बैठ मैंने ऑटो वाले को रोका, वो मुस्कुराया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, उसके बाद में बैठा और चल पड़ा। लखनऊ जैसी बात हो गई, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। हाँ, तो रास्ते भर मुस्कुराता ही रहा कि भाई, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं, पर मुझे लगता था यार ये बहुत ही मुस्कुराने वाला बंदा है, जोमैटो के बंदे की तरह। तो जब मैं घर जाकर पहला काम करता है आदमी की, बाथरूम जाओ, पैर हाथ धो, मुंह धो, तो फिर मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मुझे लगा कि कोई भी देखेगा तो मुस्कुराएगा। अगर एक बिंदी आपके चिपकी हुई है गाल पर, आपके होठों पे लिपस्टिक जो है वो इधर उधर फिर रही है और आपका चेहरा जो है वो मेकअप से पुता हुआ है, तो आप यह नहीं माने जाएंगे कि आप कोई कलाकार हैं किसी गलत जगह से ही आ रहे हैं ऐसा है ना। तब उसके मुस्कुराहट की राज का राज मुझे समझ में आया, पूरे रास्ते उसने कहानियां बुनी होंगी अपने मन। हाँ, अपने मन में। तो मैं वही सोचता हूँ जब भी इनको देखता हूँ लोगों को, कि वो अपने उसी वेशभूषा में अपने घर को चल देते हैं। हाँ। वो दृश्य कितने अच्छे लगते हैं कि मंचन के बाद सुग्रीव और बाली आमने सामने बैठ के ताश पत्ती खेल रहे हैं, है ना, मंचन के दौरान भी पीछे। हाँ, पीछे। हाँ, इस बात पे भी बहस हो रही होती है, बीड़ी ब्रेक चल रहा होता है। हाँ, कि तुमको 40 रुपए बोले थे, 40 रुपए मिले कि नहीं। हमारे गांव में रास होता था तो वो तो 7-8 दिन कथा चलती थी और उसमें कुछ और नाटक भी होते थे, तो हम बरबस ही सवेरे जा करके केवल ये देखने आते थे कि ये लोग दिन में कैसे दिखते हैं, ये जिज्ञासा रहती थी। पता लगा कि वहां पे जो कृष्ण बने हैं वो आलू काट के रहे हैं, है ना, जो सुदामा बने थे वो दाल बैठाए हुए चूल्हा पे और चमचा लिए उसमें घुटे घुटे फेदा झाग उतार रहे दाल का जो चुर रही है बटले में ये सब दृश्य जो है ना बड़ा बढ़िया लगता था, बड़ा रोचक रहता था। दाल बैठाए हुए कितना अच्छा रूपक है ना, दाल बैठाना। हाँ, और कब फेद उतारना झाग दो में। हाँ। मेरे गांव में काली पूजा में नाटक होता है 3 दिन, 2 दिन तो बहुत धार्मिक किस्म के नाटक होते हैं और 1 दिन होता है फिल्मी नाटक। तो उसमें शोले एक टाइम में बहुत लोकप्रिय था, तो उसमें जो भी लोग किरदार करते थे वह अगले 1 महीने तक उस किरदार में ही रहते थे, और उनको भी लोग जैसे गब्बर को लोग गब्बर ही पुकारते हैं, और कोई कोई आदमी तो साल भर उसी नाम से पुकारा जाता है। नाम ही हो जाता है। हाँ, पात्रों का नाम आस पास के इलाके में भाई हो जाता है, जो जिस किरदार के लिए फेमस हो जाते हैं फिर उनको ये कहते हैं। ये एक अच्छी चीज है, मुझे लगता है कि इस तरह से उन्होंने शादी की, रचनात्मकता केवल मंच तक नहीं रही, उन्होंने बहुत रचनात्मक ढंग से, और कितना सुंदर बिंब है, हम लोग शिव की बात कर रहे थे भी 2-3 एपिसोड पहले, कितना सुंदर है कि हर बार राजा ही क्यों बनना है, कभी शिव पार्वती बनके भी विवाह करो। हाँ, और शिव पार्वती जैसा उनका जीवन रहे, यही काम। हाँ, और शिव पार्वती जैसा जीवन रहे, बस बेटा जो है गणेश जैसा नहीं हो, उनके जैसा बुद्धिमान जरूर हो, बुद्धिमान हो, मतलब प्लास्टिक सर्जरी अगर उनको नहीं करना पड़े तो सर्जरी नहीं करने पड़े, और दोनों मस्त रहे और स्वस्थ रहे और अपनी रचनात्मकता के साथ इस तरह के प्रयोग करते रहे। अगर हिमांशु और मानसी को ऐसी शादी में हम भी चले। हाँ, हिमांशु और मानसी को जो है शुभकामनाएं बहुत बहुत। और एक छोटा सा ब्रेक अब 3 ताल में ले रहे हैं। उस तरफ गोत्र और शिखा पर बात है जो चली है पश्चिम बंगाल से। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या?
तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती, ये है सुबह का खबरनामा आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। यू आर लिसनिंग टू आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक टू तीन ताल, कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ हैं आप। और अभी जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 अप्रैल का दिन है, पश्चिम बंगाल में 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है और जो बयान आ रहे हैं वहां से बड़े मनोरंजक हैं। नंदीग्राम में एक जनसभा थी ममता बनर्जी की और वहां उन्होंने ये कहा कि वो एक बार त्रिपुरा गई थी तो त्रिपुरेश्वरी मंदिर में पूजा करने पहुंची और वहां जो पंडित जी थे उन्होंने उनसे पूछा कि आपका गोत्र क्या है। ममता ने जवाब दिया कि वैसे तो मेरा गोत्र शांडिल है लेकिन मैं माँ माटी मानुष को अपना गोत्र बताती हूँ। तो इस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो ये बोले कि कभी ममता को गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन अब चुनाव हारने का डर है इसलिए बता रही हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि कहीं रोहिंग्या मुसलमानों और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल नहीं है। इस बार जो इस पर जो टीएमसी की ओर से जवाब इस पर आया वो महुआ मोइत्रा की जानिब से आया और उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह कहते हैं कि ममता का गोत्र रोहिंग्याओं का है, हमें इस पर गर्व है, ये चोटी वाले राक्षस वंश से तो कहीं बेहतर है। ताऊ, ये जो अंदाज है कि वैसे तो मैं गोत्र से शांडिल्य हूँ लेकिन माँ माटी मानुष मेरा गोत्र है, वैसे तो मैं जाति से तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं लेकिन नाम है शहंशाह, तो ये जो बात है कि वैसे तो मैं जाति से ब्राह्मण हूँ लेकिन भारतीयता ही मेरी जाति है, ये जो इस तरह के जो संवाद है इसके पीछे का गणित क्या है, ये दोनों चीजें एक वाक्य में एक साथ कहने की जरूरत क्यों पड़ती है ताऊ? ये घटना हुई थी या नहीं हुई थी ये पता मालूम नहीं किसी को, हाँ हाँ, लेकिन ये उनका गोत्र बताने का एक तरीका था कि वो शांडिल्य गोत्र की हैं। गिरिराज सिंह अपने आप को वो लिखते ही शांडिल्य हैं, तो इसलिए गिरिराज सिंह खिसी आए और महुआ वापस खिसी आई। सवाल यह है कि ये जो चुटिया पंथी चल रही है इन सब में, ये अब बंद हो जाना चाहिए, हम इस गोत्र वाले लफड़े में पहले भी पड़ चुके हैं राहुल गांधी के टाइम में, वो इस बार फिर से आया है, किसी ने उनका गोत्र नहीं पूछा था इस बार के चुनाव के प्रचार के दौरान, किसी ने नहीं पूछा था कि ममता जी बताएं कि उनका गोत्र क्या है, उन्होंने खुद आगे आकर एक उपाय निकाला यह कहने का कि मैं शांडिल्य गोत्र की हूं। वह चंडी पाठ कर रही हैं, मरोड़ रही हैं उसको, चंडी पाठ को तोड़ रही हैं, मरोड़ रही हैं, उनको उनकी आवश्यकता नहीं थी। वह अत्यंत मुझे बुरा भी लगा यह कहते हुए कि वो एक दिन मैंने उनका भाषण सुना जिसमें उन्होंने चंडी पाठ करने के ठीक बाद कहा कि अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह, है ना, ये दोनों साथ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सांप्रदायिक समभाव की ऐसी तस्वीर और कहां मिलेगी, लेकिन बेहतर होता कि दो लोग ऐसा बोलते, एक ही आदमी तुरंत जब आपने मदर गॉडेस को इन्वोक किया हुआ है उसके इमीडिएटली बाद आप ये कैसे कहते थे देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, तो ठीक पहले आप क्या कर रहे थे। ये एक ही साथ दो धर्मों की का अधर्मीकरण करना यह सोचकर कि हम दोनों को खुश कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। यह सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को यह ध्यान में रखना होगा कि वह हिंदू हो सकते हैं, वह मुसलमान हो सकते हैं, वह क्रिश्चियन हो सकते हैं, एक साथ दो तीन नहीं हो सकते। अब आप अपनी राजनीति को कहीं पर तो जाकर लपेटें, नंबर वन। नंबर टू ये कि सेक्युलरिज्म को छोड़ने का ये एक तरीका यह दिखाना कि मैं, अरे बीजेपी चलो कहती है मैं एक हिंदू पार्टी हूं, तो आप भी क्यों दिखाना चाहते हो आप हिंदू पार्टी हो या मुस्लिम पार्टी हो या कुछ हो, क्या इस देश में सेक्युलरिज्म के लिए जगह बची ही नहीं है? क्या हम यह मानकर यह देश पूरी तरह से मान ले कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, अब हमें यह करना ही पड़ेगा, ये कहां की, ये किस गड्ढे में जा रहे हैं? ये जो जाल किसी ने फेंका है उसमें जाके फंसना
आवश्यक नहीं है इन लोगों के लिए। मैं सारे सेक्युलर दल जो भी हैं, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष कहते हैं अपने आप को, और यह कहते हैं कि हम सभी संप्रदायों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनसे तो मैं यही कहूंगा कि कृपया ये नौटंकी बंद कर दें। एकदम सेक्युलर है, आप गर्व से कहो हम सेक्युलर है ना, आप क्यों करें हम ये भी हैं हम वो भी हैं। और इसके चलते जो है, इसके चलते क्या हो रहा है, सेक्युलरिज्म ना डीलेजिटिमाइज हो रही है, उसका मजाक उड़ रहा है, और उसको वो उस बाकी जो लोग जो किसी धर्म की राजनीति करते हैं वो फिर सेक्युलर लोगों पर हंसते हैं। सूडो सेक्युलरिज्म जैसे शब्द जो है वो पॉपुलर हो रहे हैं, और सेक्युलर शब्द एक गाली हो गई है। वह बनाने वालों की ये हो सकता है सेक्युलर शब्द गाली के रूप में प्रयोग कुछ और लोग करते हैं, पर जिन्होंने इसको एक गाली बना दिया है वह लोग वही हैं जो सेक्युलर चोगा पहनकर चलते हैं और इस तरह की अजीब सी चीजें दिखाते हैं। इफ देयर इज नो गॉड बट अल्लाह देन हु इज दुर्गा मां एंड व्हाई आर यू जस्ट रिसाइटिंग चंडी पाठ, स्टिक टू वन। नहीं, और इस बस यहीं पे सबकी कमजोरी निकल आती है, यहीं पे लोग अपने, अरे कोई भी पूछ रहा है गोत्र, आप बोलो कि मेरा, मैं गोत्र के बारे में बात ही नहीं करना चाहता भाई, आप अडिग्र हो, आप टिके रहना, नहीं, एक मेटाफर है, वरुण ग्रोवर कहीं किसी उसमें बोले थे किसी अपने शो में कि आप जिससे आपका कंपटीशन है, आप तिलक लगा के जा रहे हो और जिससे आपका कंपटीशन है वो पूरा भभूत चेहरे पे मल के, पूरे शरीर पे मल के खड़ा है, तो उसके पिच पे तो आप वैसे भी उससे नहीं कॉम्पीट कर पाओगे। इसमें सबसे रोचक जो एक व्यक्ति है उसके बारे में मैं जब वो दृश्य देखता हूँ तो मुझे लगता है कि एक आदमी धूर पे बैठ के दूसरों पे हंस रहा है कि तुम्हारी चप्पल में गोबर लगा है। कौन है? हाँ, इस व्यक्ति का नाम है आजाद भारत के जिन्ना। ये हैं ओवैसी साहब जो कि MIM के चीफ हैं। वो खुद शेरवानी पहनते हैं, कुरान का पाठ करते हैं अपनी चुनावी सभाओं में, और दाढ़ी रखा करके, स्कल कैप पहन करके वो भाषण देते हैं, मुसलमानों की पैरोकारी और पैरवी की बात को करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि ये जनेऊधारी है। तो उनको कोई नैतिक आधार जनेऊधारी वाला शब्द इस्तेमाल करने का है नहीं। वो गुजरात में उन्होंने, और वो जनेऊ बोल नहीं पाते, तो इस वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है कि कभी तो फॉन्ट साइज सही कर दो, इतनी अंग्रेजी सीख ली हैदराबादी होकर के, इतनी उर्दू सीख ली, ना दोनों ही तुम्हारी जबान के लिए ठीक नहीं थे, लेकिन उनका हैदराबादी नुक्ता बड़ा गाढ़ा लगता है। तो जब वो जनेऊ कहते हैं तो जेनेऊ कह रहे होते हैं, जेनेऊधारी है, इस तरह से उनको वो साउंड करता है ना, पावरी हो रही है टाइप मूवमेंट लगता है जब वो बोलते हैं जनेऊ। तो उनको लेकर के मुझे थोड़ी सी ये बेचैनी होती है कि मतलब सूप बोले तो बोले, चलनी बोले, जेमा 72/6 है ना। तो चलनी बोल रही है कि ये जनेऊधारी जो है नैतिक, संवैधानिक और नैतिक पतन के शिकार हैं, ये प्रचार और इस तरह के वक्तव्य असंवैधानिक हैं और ये सांप्रदायिक है। अगर शांडिल्य गोत्र सांप्रदायिक है, चंडी पाठ सांप्रदायिक है, नरेंद्र मोदी का मठुआ समाज के मंदिर में जाना या काली मंदिर में जाना सांप्रदायिक है, तो क्या कुरान पढ़ना सांप्रदायिक नहीं है? और इस देश में जो सेकुलर राजनीति है, जो ताऊ कह रहे थे, और उसमें जो मेरा पक्ष है वो ये है कि सेकुलर राजनीति को किसी एक पक्ष के साथ, किसी एक संप्रदाय के साथ खड़ा करके आप सेकुलर नहीं रह सकते हैं। न्यूट्रलिटी फिर एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी के साथ ही आएगी, जिसमें कि सबको आप कॉमनली रिस्पेक्ट करें, किसी को केवल इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करें कि वो एक माइनॉरिटी है या एक खास किस्म की जबान या पहनावे या रिलीजियस बिलीफ सिस्टम से आता है, ये तो नहीं हो सकता। और इसी का खामियाजा पूरा का पूरा सेकुलर राजनीति आज देश में उठा रही है, क्योंकि सेकुलरिज्म की राजनीति को एक संप्रदाय विशेष की राजनीति के रूप में कुछ लोगों ने देखा और बाकी लोगों ने उसको देख देख के प्रचारित किया। तो आप ये देखते रहे कि तमाम सारे वामपंथी धड़ों से लेकर के और प्रोग्रेसिव प्रगतिशील मंचों तक शेरवानी या वीपी सिंह टाइप की टोपी पहन के बैठने वालों को तो स्वागत होता रहा, ये दिखाने के लिए कि आप सेकुलर हैं, आप तो फलाने श्रीवास्तव या फलाने मिश्रा हैं, और आपके साथ में ये फारूकी साहब बैठे हुए हैं ना, ये फलाने खान साहब बैठे हुए हैं या फलाने अंसारी साहब बैठे हुए हैं। लेकिन वहां पे अगर कोई टीका लगा के आ जाए या धोती कुर्ता पहन के आ जाए तो आप उसकी खिल्ली उड़ा लेते थे, है ना। तो ये जो आप जिस तरह से सेकुलरिज्म का सत्यानाश वही उन्हीं लोगों ने किया जो सेकुलरिज्म का दम भरते रहे, ताऊ एक बात कह रहे थे, और उसको फिर ये जो लोग सेकुलरिज्म के खिलाफ अभियान चलाते हैं वो उसको प्रचारित करते रहे। तो जो व्यक्ति स्वयं सांप्रदायिक है, जिस परिभाषा के आधार पे
असदुद्दीन ओवैसी साहब ममता को और मोदी को आज की तारीख में सांप्रदायिक कह रहे हैं या इससे पहले राहुल गांधी को सांप्रदायिक कहते रहे हैं, उस परिभाषा के हिसाब से तो सबसे बड़े सांप्रदायिक ओवैसी खुद हैं। तो एक सांप्रदायिक दूसरे सांप्रदायिक को संविधान की दुहाई देकर के वो सांप्रदायिक होने का आरोप लगाए, इससे हास्यास्पद अप्रतिकूल स्थिति कुछ हो नहीं सकती। हाँ, ये एक बहुत विचित्र सी ये स्थिति मुझे देखने को मिली। मैं बाबा सिर्फ इतना कह रहा था कि आदमी कभी यह क्यों नहीं कह सकता कि मैं हिंदू हूँ और सेक्युलर हूँ, मैं मुसलमान हूँ और सेक्युलर हूँ, बिल्कुल मैं क्रिश्चियन हूँ और सेक्युलर हूँ, वही कहने की जरूरत है। ये करने की जरूरत क्या है कि मैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब कुछ हूँ तभी मैं सेक्युलर हूँ? हाँ, चोटी वाला लगता है ना कि क्या चोटियापा टाइप की बात कर दी है। हाँ, ये तो और विडंबना तो एक बढ़िया शब्द दे दिया था। बाबा एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि आप जो है अमीर खुसरो की कव्वाली लगा दो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए उन्होंने कही थी, तो सब लोग पाकिस्तान का बच्चा गाता है ना, वो आजकल नया बालक जो है तो वो गाता है, रात फतेह अली खान को लगा दो तो सब कहेंगे नहीं, और नया है वो कोक स्टूडियो वाला कहता कि ना आओ मदीने चले ऐसी महीने चले, अरे वो तो वो है आतिफ असलम है, आतिफ असलम है ना, तो वो आओ मदीने चले ऐसी महीने चलने के लिए सब तैयार है ना, इसी महीने चुनाव है, और उसी के ठीक पल में गाना बजा दो, चलो ले कावन ले शिव जी के द्वार है कैसे मनाओ औधव गांधी, ये गाना मैं बजा दू तो दो कहेंगे यार क्या यू आर प्लेइंग ऑल दीज सॉन्ग्स, डोंट यू फाइंड देम फनी? हाँ, तो वो एक बहुत बड़ी विडंबना, हमने सूफी को भी बहुत उसका रूप अलग कर दिया है, भजन को हमने बिल्कुल हिंदू बना दिया है, सूफी जो है वो सेक्युलर है, भजन लेकिन वो हिंदू धार्मिक चीज है। हाँ, तो ये सब जो ये इस तरह से हमने धीरे 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 बिगाड़ा है सबको, और जब तब कोई अगर भाजपा बोलती है कि यार आप अपोजिमेंट कर रहे हो कम्युनिटी की, तो इनके पास जवाब नहीं रहता। सच में सेक्युलर इस देश में लोग बहुत सारे हैं, जो व्यवहार में सेक्युलर हैं, जो प्रैक्टिकली सेक्युलर हैं, जो दिन रात उनको बोलना नहीं पड़ता वो सेक्युलर हैं। वो उनके व्यवहार से पता चल जाता है कि वो धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करते। इस देश में बहुत सारे लोग हैं और उनको कोई वोट बैंक मानता ही नहीं। ये दिखावे वाले सेक्युलर सोचते हैं कि सेक्युलर ऐसे बना जाता है, इसकी नौटंकी कर लो। इस दुर्दशा में हम पहुंच गए हैं और बंगाल में उसका और विद्रूप देख रहे हैं, और आगे चल के हम इसका और भी बुरा रूप देखेंगे। ठीक है, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और वो पड़ोसी देश के बारे में है, म्यांमार में, जहां हाल ही में तख्ता पलट हुआ और वहां आर्मी ने शासन अपने हाथ में ले लिया। तब से इस तख्ता पलट के खिलाफ, सैन्य शासन के खिलाफ वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनमें से 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत वहां हो चुकी है, क्योंकि जब प्रोटेस्ट हुआ तो उसको बहुत ही वायलेंट तरीके से वहां की सेना ने काउंटर किया। भारत सरकार, जिसके की अच्छे संबंध रहे म्यांमार से दशकों के मिलिट्री शासन के दौरान भी, जो सैन्य लीडरशिप थी वहां की उससे भी अच्छे संबंध रहे, और बाद में जब लोकतंत्र बहाली हुई उससे भी भारत के अच्छे संबंध रहे, उस भारत ने सिर्फ इसकी अभी तक निंदा की है। बहुत लोग ये समझते हैं, मान रहे हैं कि भारत को थोड़ा इससे ज्यादा गुस्सा दिखाना चाहिए था, वो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे इस आवाज को थोड़ी और पुरजोर तरीके से बुलंद कर सकता था। ऐसा लगता है क्या ताऊ? एक तो मैं शुरुआत ही करूंगा हल्के से, वो ये कि आडवाणी के बारे में एक बड़ा चुटकुला चलता था, उनका फेवरेट शास्त्रीय राग है मियां की तोड़ी, है ना। असम में अभी चुनाव हो रहा है, वहां पे एक बहुत अच्छी चीज है, इट्स कॉल्ड मियां पोएट्री। अच्छा, मियां एक जॉनर बन गया है पोएट्री का, है ना, चूंकि मियां शब्द जो है वो आदर सूचक शब्द है, पर उसको जो है एक पेजोरेटिव शब्द बना दिया गया है, एक तरह से आप बोले अपमानजनक बना दिया गया है, तो उसको उन्होंने ओढ़ लिया, कहा ठीक है तुम हमें मियां बुलाते हो ना, तो हम उन्होंने मियां के साथ वही हुआ जो पंडित शब्द के साथ हुआ हिंदी में, पंडित पांडित्य प्रवर लोगों के लिए था, बौद्धिक लोगों के लिए था, फिर बाद में पंडित का मतलब हो गया कि बहुत खाते हैं तो पंडित है, पान खाते हैं तो पंडित है, मूर्ख है तो पंडित है, उस तरह से हो गया। सिनेमा में इसने मियां और पंडित दोनों को बहुत अच्छे से बरता है, तो मियां जो है वो नॉर्थ ईस्ट में वो हो गया, है ना, और उससे लगा हुआ है म्यांमार, है ना, तो और रोहिंग्याओं को मार करके मुझे हमेशा ये रहता लगता था कि मियां को मार रहे हैं, यही है उन्होंने उनका, और कुछ नहीं है। बांग्लादेशी जो असम में आते हैं मियां कहलाते हैं, बांग्लादेशी कह के उनको रोहिंग्याओं को बर्मा में मारा जाता है। अब आ जाइए हमारी शर्मनाक जो स्थिति है अभी, हम ये जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे जो विद्रोही ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे सक्रिय हैं, और वो उनको शरण म्यांमार में मिलती थी, उस वो बॉर्डर पार कर उधर चले जाते थे, वहीं पे उनके कैंप थे, ट्रेनिंग कैंप्स होते थे, वहां से यहां आकर हमला करते थे। हमने म्यांमार के साथ एक समझौता किया, चूंकि मिलिट्री वहां की बहुत मजबूत है,
कि भाई साहब आप हमारे यहाँ शांति होने दो, इन लोगों को वहां से खदेड़ो या हमें वहां जाकर उनको मारने की इजाजत दो। और वो म्यांमार और भारत के बीच में ये हो गया कि ठीक है हम दोनों मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। उसके चलते आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत दिनों से बड़ी आतंकवादी घटनाएं नहीं होती हैं। भारत का उसमें एक ही हित इसमें है, पर हमें वहां की मिलिट्री के द्वारा जो हुंटा है वहां की, तत्मा दाव बोलते हैं उनको, उनके द्वारा अपने लोगों पर इतना अत्याचार करना और हमारा मुंह ताक उनको देखते रहना और कुछ नहीं कहना, फिर वहां पे आर्मी डे के सेलिब्रेशन में भारत का ऑफिशियली पार्टिसिपेट करना, हमारे एक प्रतिनिधि डिप्लोमेटिक वहां बैठे हुए थे, फिर एक जारी होता है मणिपुर में एक आदेश कि वहां से जो लोग आ रहे हैं उनको खाना पीना ना दिया जाए, है ना, उनको शेल्टर ना दिया जाए, वहां से पुलिस वाले सामान्य नागरिक वो भाग कर इधर आ रहे हैं भारत की तरफ, क्योंकि वो वहां रहेंगे उनको गोली मार दी जाएगी, आवाज उठाने पे वहां गोली मार दी जाती है। मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या भारत किनके साथ है। आप याद रखना मिलिट्री रूल खत्म होता है एक दिन, कोई भी हुंटा जीवन भर नहीं रहती। आप ये जान लेना कि बर्मा के लोग याद रखेंगे कि जब यही सबसे बड़ा जब हमें मारा जा रहा था तो हमें शरण नहीं मिली। मैं इस बात से बहुत दुखी हूं कि भारत में उनको दुत्कार दिया गया, हम कोई मदद वहां के लोगों की नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रभाव है वहां पे, चाइना और भारत दो ही देशों का प्रभाव अभी है बर्मा पर। हम उनको यह कह सकते हैं कि बंद करो यार, आप इतना अत्याचार नहीं कर सकते। आप जिस तरह से फ्यूनरल पे गोलियां चला रहे हो, 500-500 लोगों को मार दिया है, बच्चों को मारा है गोलियों से, आप यह बंद करो। आप वो शर्म के मारे ही कुछ तो करेंगे, आप इतने कमजोर नहीं उनके सामने, हम नेबर हैं, ये बहुत सारी चाबियां उनकी हमारे पास हैं, पर हकीकत यह है हम एक मजबूत देश हैं, हमको यह दिखाना चाहिए। हम चीन नहीं है, हम भारत हैं। भारत और चीन के बीच में अभी मुझे एक डिफरेंस देखने की इच्छा थी कि यस हम लोगों के सामरिक हित जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन भाई साहब इतना ही, पड़ोसी अगर अपनी पत्नी को मार रहा है, पड़ोसी आपका कितना भी बड़ा मित्र हो, आपको एक बार व्हेन यू सी समथिंग से समथिंग, आप वहां पे दरवाजा खटखटाने जाओ। हो सकता है आप जाकर के फैसला ना करो, पुलिस ना बुला लो, पर आप दरवाजा खटखटाओ ये कहते हुए कि देखो आपत्ति है हमें, बस ये नहीं किया हमने, इस बात का मुझे दुख। बिल्कुल, तो हमारा भी, मैं भी उसको इसी तरह से देख रहा था कि इसमें दो चीजें हैं जो कि गलत हैं और उनको हमें समझना चाहिए था। एक तो यही बात जो ताऊ कह रहे हैं कि आप किसके साथ हैं, क्योंकि लोग और लोगों की स्मृति हमेशा रहती है, सैन्य शासन का समयावधि और उसकी मेमोरी बहुत कम होती है, क्योंकि जो आज है वो 5 साल बाद भी वही सेना को नियंत्रित कर रहे और सेना को चला रहे लोग नहीं होंगे, और सेना के लोग भी इस बात के लिए कभी खुश नहीं होंगे आपसे कि आपने सैन्य शासन का साथ दिया, क्योंकि सेना होना और सैन्य शासन होना दो अलग चीजें होती है। तो एक तो गड़बड़ ये है, दूसरा और इसमें ही वो आता है जो ताऊ कह रहे हैं कि जब आपके बगल में कोई शोर करता है तो आप कहते हैं ना चुप्पे बैठो, है ना, कहते हैं ना अरे चुप्पे बैठो यार तुम बहुत चिल्ला था, उसको बोलते हैं ना, और एक फ्रेंडली तरीका भी होता है कहने का कि उससे लड़ाई भी ना हो, कि यह ना करो ये तो मैं इनका काटी पलट के यही कह देते, इतने समझा देते कि जो आप कर रहे हैं ये पलट के बाउंस बैक करेगा ही करेगा, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप, या इस तरह से मत कीजिए कि पूरी दुनिया आपको हकारत से देखे। आप उसको समझाते कि आपकी इमेज के लिए अच्छा नहीं कि आप ऐसा करें इंटरनेशनल, खास करके कोविड के टाइम, आपने कोई बात उनको नहीं समझी। दूसरा ये है कि अगर कहीं पर इस तरह का त्राहिमाम आ गया है तो लोगों को आप एकोमोडेट कुछ समय के लिए भी कराने को तैयार नहीं, थोड़ी सी भी उनको गुंजाइश देना चाहते हैं। आप वो व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा वैक्सीन हम बांट रहे हैं, आप वो व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम के वचन के साथ जीते हैं, आप वो व्यक्ति हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों को खूब बेहिसाब जाकर के चंदा और रुपया पैसा दे के चले जाते, और दरवाजे पे कोई प्राणों की भीख मांगते हुए आ करके आपके वो, हम लोग कहानी पढ़ते थे बाज और कबूतर वाली, शरणागत की रक्षा वाली, वो स्थिति आ गई है कि दरवाजे पे कोई आ गया है जिसको कि गोली मार दी जाएगी, वो दरवाजा पीट रहा है और आप उसको राशन पानी शराब कोई भी चीज देने को तैयार नहीं। तो मुझे लगता है कि वापस कर लिया गया, जैसे इंटरेस्ट वाला वापस कर लिया था ना, हाँ वो तो उसमें यूटर्न हो गया, लेकिन वो प्रेशर में हुआ ना, हाँ प्रेशर में हुआ वो, हाँ आप उसको हिंदी में आम जन कहते हैं थूक के चाटने वाली बात, जिस अवसर में मुहावरा समझा जाया था उसके हाथ नहीं कांपे, ये शर्म की बात है। ये मुहावरा ही है, लेकिन ये सही मुहावरा है थूक के चाटने वाली बात, की नहीं होना चाहिए, एम्बरेसिंग होता है सरकारों के लिए, शासनों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए। एक सवाल यहाँ पे है जो मतलब हो सकता है बहुत बड़ी बातचीत अपने आप में हो सकती है, लेकिन आज संक्षेप में ही करनी है।
ये बात बार बार ताऊ कही जाती है कि भारत वो देश है, मतलब हम म्यांमार में तो कितनी बार जाने तख्ता पलट हुआ है, लेकिन भारत वो देश है जो जहां पर कभी भी तख्ता पलट नहीं हो सकता, ये छोटे देशों में ही संभव है। और भारत की जैसी संरचना है, यहाँ हो सकता है डेमोक्रेसी की स्थिति कभी ऐसी हो जाए कि बहुत कमजोर हो जाए, लेकिन फिर भी तख्ता पलट यहाँ बहुत दूर की कौड़ी होगी। इसके क्या रीजन हो सकते? ये इसमें सच है, इसमें कुछ सच्चाई है कि तख्ता पलट भारत में बहुत कठिन काम होगा। बाय द वे, भारत में लोग सेना को बहुत प्यार करते हैं, जितना पाकिस्तान और म्यांमार में करते हैं, है ना, ज्यादा ही है, ज्यादा ही प्यार करते हैं सेना से। और सेना, इनफैक्ट सेना के बारे में ये भी है कि दंगा हो तो सेना बुला ली जाए, बाढ़ आती है तो सेना बुला ली जाए, आग लग गई तो सेना बुला ली जाए, है ना, किसी को बुखार आ गया तो भी सेना बुला ली जाए, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ के लोगों को का मानना है नहीं, आर्मी कोविड में, हाँ, कोविड में सेना बुला लो, यही कहा कोविड में लोगों ने, यही सेना बुला लो, हमने लोगों को सुनते हुए कहे यार, लेकिन लॉकडाउन का जो है पालन नहीं हो रहा है, कहे पुलिस वाले हैं, अब आप सेना बुला लो, दिन देखो सब एकदम अंदर चाहिए, एक हफ्ता में केस खत्म कोविड के, तो इमेज है वो, दे विल गेट थिंग्स डन, काम कर जाए, हो जाएगा अगर आप उनको बुला लोगे, ये है। और इसी भरोसे पे तो पाकिस्तान के लोग उछलते हैं ना कि देखो आर्मी नहीं तो आर्मी संभाल लेगी, आर्मी भी इसका फायदा उठाती है। पर भारत में क्योंकि हमारी हमारा जनतंत्र उतना कमजोर नहीं है, जितना भी झगड़ा कर लो, ये कर लो, ईवीएम पे आरोप लगा दो, पर हकीकत यह कि सभी हम मानते हैं कि यार ऐसे ही होती है, इलेक्शन हुआ, चुनाव में ये जीत गए, ये बात आप देखना कि ईवीएम की लड़ाई चुनाव के रिजल्ट तक ही होती है, उसके बाद नहीं करता कोई भी, क्योंकि उनको भी पता होता है यार ऐसे वोटिंग। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र मजबूत है, हमारे यहाँ ताऊ मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति तब तक भगवान है जब तक वो प्रसाद स्वयं खाना शुरू नहीं करता है। जिस दिन सेना जो है सत्ता संभालने की कोशिश करेगी, लोग विद्रोह कर देंगे। हाँ। और यहाँ पे ऐसा होगा नहीं, यह मान लेना, इसमें एक सच्चाई है और वो अच्छी बात है। पर आप देखो जो हम एंजॉय करते हैं सेना के दखल नहीं देने के कारण, वही फल अगर हमारे पड़ोस के लोग नहीं एंजॉय कर रहे हैं तो क्या फायदा। हाँ। है ना, आप जिए तो अपने गुलमोहर के तले, मरे तो अपने गुलमोहर के तले, बाकी लोग गुलमोहर देखते ही रह गए। आप उनको भी मदद करो उनको उस स्थिति से ऊपर आने में। बांग्लादेश में देखो आपने, वो ऊपर आए ना उससे, और पाकिस्तान भी ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। म्यांमार में बहुत कठिन समस्या है, पर हमको, हमारा जो फर्ज था वो इतना था कि हम अपने जो भी हमारे पास साम दाम दंड भेद हैं, हमारे मित्र हैं, अगर कहते हैं हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं वहां के सैनिक शासक, फिर उनसे बात करते कि आप ठीक है, आपने तख्ता पलट कर दिया है, पहले भी कौन सी आंग सान सूची की चलती थी, वो तो आधी थी एक तरह से ना, वहां आधा आधा लोग, आधा लोकतंत्र आधा मिलिट्री तंत्र था, तो ठीक है आपने कर लिया, पर अत्याचार ना करो, ऐसे गोली मत बरसाओ अपने लोगों पर। तो हमारी इमेज वहां के लोगों के दिमाग में ये रहती कि भारत हमारा मित्र है। अभी क्या है, सिर्फ वो शासक के दिमाग में है कि भारत हमारा मित्र है, लोग नहीं मान रहे, और धीरे धीरे जैसे उनको पता चलेगा वो नहीं मानेंगे कि भारत एक मित्र देश है। नेपाल हमारे, हमारे संबंध आप सोचो कितने पुराने हैं। रंगून जो है वो भारत में, भारत से एडमिनिस्टर होता था, है ना, एक टाइम में ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, विज्ञापन होता था मेरे पिया गए रंगून, रंगून से, हाँ। और यहाँ से पिया सही में रंगून जाते थे, है ना, और रंगून से आते थे लोग, ट्रेन चलती थी, बातें होती थी, वो ऐसा कैसे हो सकता है, पहले रंगून जाते थे, अब रंगून वालों को कौन कहते हैं। वही ऊपर एक और अपना ही पड़ोसी है और उसका नाम पाकिस्तान है, कई बार इस बातचीत में ही जिक्र आ गया। पड़ोसी नहीं, देखिए भाई साहब, लैंग्वेज ठीक है आपकी, लैंग्वेज बहुत खराब है आपकी। मैं एक जोक ऑफ याद आ गया मुझे, बहरहाल तो वो पड़ोसी नहीं पटीदार है, देखिए पाकिस्तान पड़ोसी है, मैं तुरंत सुधार लिया मैंने। हाँ। तो जो पटीदार है एकमात्र भारत का, वहाँ ये टंटापुर के पाने हैं। हाँ। तो ये भी वैसे ही, मतलब संक्षेप में अपन को करना है इस पे भी बात, कि ये खबर आई कि पाकिस्तान भारत से चीनी और कॉटन इंपोर्ट करने को तैयार है, जो इसमें जो अड़चने थी उसको हटा लिया गया है और अब इसकी तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इमरान खान को बीते दिनों एक चिट्ठी लिखी और उसमें बड़ी अच्छी भाषा में उसकी, उसको लेकर के विवाद भी हुआ कि आप इतना सम्मान से क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए उन्होंने बड़ी विनम्रता से एक चिट्ठी लिखी, उनका जवाब भी आया। 2 साल के बाद इंडस वाटर प्रोजेक्ट पर दोनों देशों के अधिकारी बैठे, मीटिंग हुई, ऐसा लगा था कि शांति के कबूतर फिर से फड़फड़ाने लगे हैं, लेकिन फिर अचानक ये खबर आई कि जो चीनी और कॉटन इंपोर्ट बहाल करने का फैसला था वो वापस हो गया। ताऊ ये क्या चल रहा है हमारे
पाटीदार मुल्क हुआ क्या, पाटीदार मुल्क थे बाजवा साहब जो है वहां के मालिक जो है, बॉस जो है इमरान खान के, उन्होंने एक भाषण दिया एक दिन जिसमें शांति के कपोत थोड़े से उड़ाए उन्होंने, है ना, भाषण था वो, इमरान ने सीरियसली ले लिया। उसने कहा यार बॉस तो बहुत लव करते हैं उनको, होता है ना, विधायक अगर आपके आपके चचा अगर विधायक है उनको कोई पसंद है तो आपको लगता है यार ये तो फिर उनको दही बल्ले पसंद है, मैं दही बल्ले लेके जाता हूँ। वो इमरान को लगा कि भाई साहब ये संकेत है कि हम कुछ कुछ तो शुरू कर सकते हैं, अब ट्रेड अब एकाएक तो शुरू नहीं कर सकते पूरी तरह से, और उनके यहाँ चल रही है चीनी की जबरदस्त क्राइसिस, पाकिस्तान के लोग चीनी बहुत महंगी हो गई है वहां पर, कॉटन का भी वही हाल है, तो उनके यहाँ उन्होंने सोचा चलो एक रास्ता है इससे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, कोविड ओविड की वैक्सीन आ गई है अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत, तो मोदी जी ने इतना बढ़िया लवलेट सनम ने खत क्या बोलते हैं हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा है दिलरुबा, तो इतना बढ़िया पोएट्री के साथ लिखा गया था तो उसका जवाब भी आया, तो उन्होंने कहा कि ये मौका है कि हम थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन करें, रिश्तों को सामान्य करने की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाते हैं, और इमरान खान ने यह संस्तुति कर दी उनके कैबिनेट ने, ठीक है भाई साहब इसको ये आपने घबराना नहीं है, हम मंगा रहे हैं, हम मंगा रहे हैं, है ना। तब जाकर कैबिनेट ने नहीं, उनकी जो मिनिस्ट्री होती है ना ट्रेड की, जो मिनिस्टर वही है बाय द वे, तो उन्होंने वो जारी कर दिया एक, और फिर वो कैबिनेट बैठी उसको उसको उस पर संस्तुति देने के लिए। तो बाजवा साहब ने शायद फोन कर दिया होगा और अन्य मिनिस्टरों को कि भाई साहब ये सब मतलब तुम लोग ये क्या कर रहे हो यार, अपन बोल रहे थे कि शांति अच्छी बात है, ये सचमुच पे करना है क्या, बंद करो ये सब। तो उन्होंने फटाफट उसको वापस ले लिया, क्योंकि अब देखिए बाजवा साहब के पहले भी इमरान खान ने भी जो बोला है ये कि भारत के साथ हम चाहते हैं कि कश्मीर के मसले को सुलझा लें, 1947 के यूएन के करारदातों के मुताबिक, आप जैसे ही ये बोलते हो मामले को 1947 तक ले जाते हो, मतलब 70 साल पीछे, आप आगरा से शुरुआत नहीं करते जहां समझौता सा हो चुका था। तो ये सब तरीका है दुनिया को यह दिखाने का, देखो हम तो तैयार हैं, लेकिन ये जिस समय जैसे ही आप बोलते हो 1947 के यूएन के करारदातों के अक्वामे मुत्तहिदा के करारदातों के मुताबिक, खत्म मामला, कोई बातचीत नहीं हो सकती, आप में आपका इरादा ही बातचीत करने का नहीं है, सब झूठ है। और यही झूठ अब क्या है कि भाई चीनी तो चीनियों से मंगाओ, वहां बहुत चीनी है ना, और नंगे घूमो क्योंकि हम तो कपड़े दे नहीं सकते आपको, हमारे यहाँ से कॉटन ले नहीं सकते, आपके कारीगर मरे। तो उन्होंने आत्महत्या का जो अब ऐसी हालत है कि हमारे यहाँ से कोई चीज दुबई जाती है, दुबई से वहां जाती है ना, ऐसा नहीं है कि मेड इन इंडिया चीजें वहां बिक नहीं रही, क्योंकि दुनिया में अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया की ही अफोर्डेबल हैं, वो और अफोर्डेबल हो सकती है उनके लोगों के लिए, रिश्ते भी सुधर सकते हैं, पर बीच में बाजवा है, बस बॉर्डर पे बाजवा। तो ये बहुत विचित्र है, अभी हमने भी सोच रहे थे कि ये दोनों पे कॉटन और चीनी पे तो बेबी पहने लागी साटन, अब काहे मंगाए काटन चना जोर कर पहने लागी साटन, अब काहे मंगाए काटन चना जोर करम, अब कोरोना मार रहा है टक्कर, बिना स्वाद के क्यों दे शक्कर चना जोर कर। अरे गजब ये बैठे बजाय अभी जब आप पेन लेके कुछ कर रहे थे, बस ये चार पंक्तियां अंतिम पंक्ति तक पहुंचे, आज तो गजब हो गया, बाबा की तरफ से क्विक बंदी आ गई। चलिए तो ये सब तो ठीक है, आप लोगों ने आधार और पैन लिंक करा दिया है, हमको पता नहीं हमारा लिंक है कि नहीं है, किसी को नहीं पता है भैया, ये ना सालाना जोक है, चुटकुला है। वो क्या करते हैं हर छह महीने बोलते हैं आखिरी तारीख आज तक है, और फिर बोलते हैं छह महीने बाद, ये ऐसा चल रहा है बहुत दिनों से चल रहा है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा व्यक्ति बच गया है जिसके लिए किया जा रहा है, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं सबके हो चुके हैं। कल बहुत सारे लोगों ने जब आखिरी डेट थी ना तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की अपने आधार और पैन को लिंक करने की, मैं तीन ऐसे गिना सकता हूं जिनको उधर से जवाब आया कि ये तो पहले हो चुका है, तो फिर उनको याद आया अरे ये तो मैंने 2 साल पहले कर लिया था या 1 साल पहले कर लिया था, तो ये हो चुका है। मुझे लगता है कि ये भारत सरकार अपने
एनआईसी के सर्वर्स की परीक्षण करने के लिए बीच बीच में इस तरह के सुर्रे मारती रहती है और उससे फिर अचानक से भरभरा के ट्रैफिक आता है एनआईसी के सर्वर पे और वो वेबसाइट बैठ जाती है। जैसे कल दिन में अधिकतर समय के इनकम टैक्स की वेबसाइट बैठी रही तो उसमें विचित्र विचित्र से यूआरएल बन के आने लग गए थे और वो कोई भी खुल नहीं रहे थे, कोई भी गंतव्य तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो वो मतलब आधार और पैन की लिंकिंग खबरों में तभी आती है जब या तो उसको लिंक कराने का आखिरी दिन होता है या जब उसकी डेट आगे बढ़ा दी जाए। तो 31 मार्च आखिरी था, वो अगर नहीं कराते तो लोगों को जुर्माना देना पड़ता, इसलिए शायद वो साइट बार बार खुलती है। एक वो है ना भेड़िया आया, भेड़िया आया। कल वो गाना चल रहा था दिमाग में मेरे कि पैन पैन से आधार जोड़े नत है सर्वर गिरावे घड़ी घड़ी। अरे बड़ा बहुत पुराने गाने की याद दिला दी आपने, सात सहेलियां खड़ी खड़ी विधाता फिल्म का है? बहुत जबरदस्त। एक भेड़िया आया वाला कहानी याद है ना, कहानी बहुत कहानी। उसमें भेड़िया आया बोलता है, फिर लोग कहते हैं यार ये बेकार बोलता है, एक दिन भेड़िया सचमुच आ जाता है। पर इसमें इस बारे में डिफरेंस क्या पता है, उसमें ये है कि भेड़िया आया किया और अभी भी भेड़िया आया के, पर हकीकत ये भेड़िया आया है जा चुका उसके बाद भी चल रहा है। हाँ, यार कांग्रेस आई और कांग्रेस गई भेड़िया आया भेड़िया गया। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आज तक रेडियो पर तीन ताल आप सुनते रहिए, इसके बाद एक बिजार स्टोरी है और न्योता वाले श्रोता है। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर यूट्यूब आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। तीन ताल में आपका स्वागत और बिजार स्टोरी का वक्त है ये। और बिजार स्टोरी ये है कि करीब एक महीने पहले बिजनौर के कोतवाली देहात इलाके में एक चोरी हुई थी, उत्तर प्रदेश की घटना है बिजनौर की, जिसमें चोरों ने 7 लाख रुपए उड़ा लिए थे। तो अब इसमें 2 चोर थे, उसमें से एक की गिरफ्तारी हो गई है और चोर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, ऐसा पुलिस का कहना है। और पूछताछ में उसने ये बताया कि चोरी में जो पैसे मिले थे उसको देख करके वो दोनों अवाक रह गए थे, क्योंकि उम्मीद से बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने चुरा लिया था। 7 लाख रुपए उड़ाने की उन्होंने उम्मीद नहीं की। तो वो देख करके खुशी में एक चोर को हार्ट अटैक आ गया और चोरी किए गए पैसे का एक बड़ा हिस्सा चोर के इलाज में खर्च करना पड़ा। बाबा ये बिजार है, ये अति बिजार है। अति बिजार इसलिए है कि जो न जेब में संभल सके न दिल में संभल सके ऐसी हसरतें इंसान को पालनी नहीं चाहिए। और अभी वो कौन सी लॉटरी वाली फिल्म का हम जिक्र पिछले एपिसोड में कर रहे थे, ताऊ को नाम उसका याद था, राजपाल यादव वाली माला माल वीकली। आपने मुझे कहानी सुनाई तो मुझे फिर वही माला माल वीकली घूम फिर के याद आ गई कि उसमें क्या तो 2-4 नाम होते हैं, वही नाम उसका भी था मेरे ख्याल से, डेविड या जोसेफ ऐसे कुछ नाम था उसका। जो व्यक्ति जो मर जाता है, एंथोनी। एक 2-3 नाम है घूम करके, मतलब जैसे सिंघानिया चोपला कपूर, उसी तरह से अंग्रेजों के भी नाम हमारे यहाँ तय है, माइकल जोसेफ एंथनी। एंथनी बढ़िया आदमी होता है। माइकल थोड़ा सा वो होता है शाकाल, माइकल थोड़ा सा खलनायक होता है। एंथनी चूंकि अमर और अकबर का भाई है, अच्छा है वो, तो फादर वादर टाइप हो जाता है मामला। तो अब उसका यही है बेचारे का कि मुझे तो वही लग रहा है ना कि ऐसे आदमी की लॉटरी लगनी भी नहीं चाहिए। और ईश्वर गलती से ये कर देते हैं, मतलब इसे कहते हैं लक बाय म्यूटेशन। पचती नहीं है तो पीते क्यों हो? हाँ, ये लक बाय म्यूटेशन है। जैसे मेरा एकदम क्लियर आकलन है और इसमें कोई अगर आपको भ्रम हो तो आप लोग बताइएगा, दोनों लोग, कि आपको हमेशा ईश्वर हैसियत के हिसाब से देता है। और हैसियत को कैसे वो आंकता है? प्रसाद से। अगर आप 5 रुपये का लड्डू लेके पहुंचे हैं, 101 रुपया का मीठा लेके पहुंचे हैं, 501 रुपया की चादर लेके पहुंचे हैं, तो उसको पता है कि ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इनकी नौकरी 20,000 रुपए लग जानी चाहिए, है ना, या इनका ब्याह जो है हो जाना चाहिए जिससे प्रेम करते हैं, या चलो ठीक है तुम बहुत दिन से आ रहे हो मंदिर, 12 साल होगा तुम्हारे PCS क्लियर, जाओ ना। तो यह इतना की चीजें होती। लेकिन भाई साहब फिर उसके बाद में कोई आता है तो वो क्या करता है कि स्वर्ण मुकुट दान करता है, स्वर्ण का मुकुट, और हम
अब तो भगवान का बाथरूम टॉयलेट भी जो है वो चांदी का होगा और ये होगा और फलाना होगा झमकाना होगा, तो उस तरह से स्वर्ण जड़ित रत्न जड़ित है ना फलानी फलानी विचित्र विचित्र, तो वो लोग जब देते हैं तो उनको आप देखिए कि पता चलता है कि वो पहले 20 करोड़ के कारोबारी थे, आजकल 350 करोड़ के हो गए हैं और बस 1000 करोड़ वाले पहुंचने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि नहीं सिद्धि विनायक का जीर्णोद्धार करो पूरा हम बनवाएंगे, है ना, शिवजी का पूरा कायाकल्प करो वो हम बनवाएंगे, अक्षरधाम अहमदाबाद का हो या दिल्ली का हम बनवाएंगे। तो उन लोगों का देखिए कि वो फिर वो डॉलर्स मिलियंस मिलियंस पे खेलते हैं, दुनिया के पहले सबसे अमीर भारतीय या दूसरे सबसे अमीर भारतीय हो जाते हैं, तो इस तरह की चीजें हो जाती है। ईश्वर औकात जज करता है और औकात के हिसाब से सबको देता है पारिश्रमिक। बीच बीच में कुछ लोग जो है ना लक बाय म्यूटेशन हो जाता है, उनका कुछ म्यूटेशन में गुणसूत्र दाएं बाएं होते हैं, उनका लक किस्मत अचानक से जो है अंधे के हाथ बटे रह जाता है, फिर उसमें यही होता है कि एंथनी से लेके विनोद तक की कहानी हो जाती है, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। ताऊ ये जो बात हमारे यहाँ कही जाती है कि चोरी का पैसा मोरी में ही जाता है, इसी की मिसाल है। हाँ ये अक्सर होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि अरे यार असली कमाई मेहनत की कमाई है, देखो मेरी खोई हुई मेरा खोया हुआ पैसा मिल गया, या मेरी अंगूठी गिर गई थी पर मुझे किसी ने वापस कर दी, यार मेहनत की कमाई की है, एज इफ मेहनत की कमाई के पैसे का रंग कुछ अलग होता है। हकीकत ये है कि मुझे इस केस में मुझे ये भी समझ नहीं आता, जब पुलिस ये बताती है हो सकता है पुलिस सॉल्व करना चाहती हो केस, ये चोरों का फैलाया हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, तो बंदे भी मिल सकते ज्यादा ना हो जाए, बंदे भी मिल सकते हैं ना पुलिस को। वो कहते हैं ना कि शिक्षा मंत्री गए स्कूल में देखने के लिए कि भाई बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने बच्चे एक बच्चे से खड़ा करके पूछा कि बताओ गांधी जी को किसने मारा, तो बच्चे ने कहा कि मैंने नहीं मारा साहब, तो वो बड़े दुखी हुए, तो उन्होंने तुरंत जो है मीटिंग बुलाई बहुत बड़ी और उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे एक स्कूल है बच्चों को इतना भी मालूम नहीं है, मतलब ये क्या पढ़ाई लिखाई हो रही है, तो पुलिस वाले को ड्यूटी दे दी गई कि तुम जाके फिक्स करो, तो पुलिस वाले ने अगले दिन रिपोर्ट दे दी कि साहब बच्चे ने कबूल कर लिया। अगर हम सॉल्व करने के लिए दोगे तो सॉल्व कर ही देंगे एक दिन में, तो अगर ठीक है नहीं हुआ तो चलो किसी को पकड़ो, चल भाई तू ये वाला ले ले हमारे यहाँ चोरी, अब तुम्हें पकड़ ही लिया है तो ये हमारे यहाँ चोरी हुई थी वो ले ले साहब, उसमें जब पैसे किधर है तुम्हारे पास 7.5 लाख नहीं है, अच्छा ठीक है तो दूसरे का दूसरे को हार्ट अटैक करवा दे। सही है। अब न्योता वाले श्रोता ले लेते हैं, टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी चिट्ठी पढ़ता हूँ। और ये ईमेल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आया है, संजय कुमार शुक्ल हैं उन्होंने लिखा है, और लिखा है कि तीन ताल के प्रस्तोताओं को सादर प्रणाम। प्रस्तोता भाई मैं नहीं हूँ। हम लोग प्रस्तोता तो आप ही है। प्रस्तोता मैं हूँ, बहुत भारी लग रहा है। प्रस्तुतिकरण करने वाला प्रस्तोता है, हम दोनों तोते हैं बस। हाँ हम लोग तोते हैं। तो उनका ये कहना है कि 8 मार्च का पॉडकास्ट उन्होंने तीन ताल सुना और उसमें विमेंस डे राजनीति और शिव पर चर्चा की गई जो थी, उससे वो मंत्रमुग्ध हो गए। खासकर भगवान शिव पर पाणिनी बाबा का विश्लेषण तो कमाल था, इस विश्लेषण से शिव को संपूर्णता में समझने का सौभाग्य मिला। तीन ताल पर की जाने वाली सभी चर्चाएं सर्वोत्कृष्ट होती हैं। एक बार पुनः पाणिनी बाबा कमलेश ताऊ और सरदार जी को तहे दिल से धन्यवाद। वाह वाह शाखा आप ही गए गुरु। सरदार जी। संजय कुमार शुक्ल, जमीन दसाम, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। बाबा जवाब। संजय भाई आपने हमारा कार्यक्रम सुना और आपको इसमें आनंद आया, इसके लिए हम क्या कहें। और आप तो एकदम शिव की नगरी के बगल में हैं, तो शिव के न्यास विन्यास और स्वांग तीनों अवस्थाओं में जो भी बहुत सारी चीजें देखने समझने योग्य हैं आपके बगल में बनारस में हैं। हो सकता है कि आप बनारस में रहे हों, पढ़े लिखे हों, बनारस में पढ़ते लिखते आपने बनारस को देखा हो, तो वो एक शहर है जहाँ पे और चीजें आप देख जान सकते हैं। लेकिन बनारस की बपौती भी नहीं है शिव, और शिव को समझने जानने के लिए या शिव को अंगीकृत करने के लिए कहीं भी होना या कहीं भी नहीं होना मायने नहीं रखता है। आपको कार्यक्रम समझ में आया, हम लोगों ने भी ऐसे ही शिव को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की है, थोड़ी बहुत बातें हम लोग बता पाए हैं, बहुत सारी बातें नहीं समझ में आई हैं, बहुत सारी बातें नहीं बता पाए हैं। आपको भी अगर ऐसा कोई बिंब अपने यहाँ दिखाई देता है, याद आता है, या कोई पहलू इस पूरी बहस में समझ में आता है, तो उसको कार्यक्रम के पत्र की तरह नहीं, हमारे ज्ञानार्जन के लिए और एक संवाद एक संप्रेषण की दृष्टि से भी आप उसे हम लोगों को भेजें। और हम लोगों की जानकारी अगर आप बढ़ाएंगे, आप जैसे दोस्तों ने ही जानकारियां बढ़ाई हैं, तब हम ये बातचीत करते हैं,
तो आपसे भी हम ये अपेक्षा करेंगे कि अगर कोई सवाल या कोई बिंब या कोई पहलू इसमें आपको नजर आता है तो हमसे अपना ज्ञान, अपनी जानकारी, अपनी सूझ जरूर साझा करें। radio@aajtak.com ये हमारा ईमेल आईडी है, इस पर हमें ईमेल्स लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि तीन ताल आपको कैसा लगता है। और वो बात जो पिछली बार छूट गई थी बाबा, बनारस से अनूप कुमार की चिट्ठी आई थी और उसमें बनारस पर ही हमने बात की थी, उसमें शुरुआत में उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि मैं अपना पूरा नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि किसी खांचे में बंधना मुझे पसंद नहीं। तो ये जो पूरी बातचीत है कि उपनाम लगाया जाए या हटाया जाए या उसे किसी अनुप्रास वाले एक रचनात्मक शब्द से रिप्लेस कर दिया जाए, तो ये इस मतलब सरनेम हटा देने से क्या बदल जाता है? क्या जाति से जुड़ा भेदभाव उपनाम न लिखने से जा सकता है? जैसे आप भी मेरा नाम बताते हैं लेकिन मेरा सरनेम मेरे नाम में नहीं है जी, और ऐसा कोई बताने योग्य सरनेम है भी नहीं। हमने भी बहुत उदात्त हृदय से और ऐसे ही कुछ व्यामिश्रित शब्दों को और विचारों को एक साथ लेकर के ये तय किया था 10वें का फॉर्म भरते हुए कि नहीं, अपना टाइटल इसमें नहीं डालना है। मैं बार बार बचने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं मैं ये ना कह दूं कि वैसे तो मैं सांजल्य हूँ लेकिन माँ मार के मानुष बताया था तो मैं सांजल्य कहने से बच रहा हूँ बहुत जोर शोर से। लेकिन उपनाम और जाति नाम इन दोनों में एक तो फर्क है। उपनाम ये नहीं है जो जाति के नाम है, उपनाम अर्जित नाम है जो कि जातिबद्ध हो या आवश्यक नहीं है। जैसे कोई अपने नाम के आगे लगाए गौतम, कोई अपने नाम के आगे लगाए सुलभ, कोई अपने नाम के आगे लगाए अश्क, कोई अपने नाम के आगे लगाए प्रसाद, कोई अपने नाम के आगे लगाए निराला, या ताऊ या बाबा या सरदार, या ताऊ बाबा सरदार, तो ये उपनाम है और ये प्रवृत्ति आचरण स्वभाव से अर्जित किए हुए नाम होते हैं। तो कई बार व्यक्ति के नाम से आप उसकी तासीर और तसव्वुर को समझते हैं। जैसे आपको पता है कि ये नजीर अकबराबादी हैं तो इनका मोहल्ला चोला वही अकबराबाद का है और इसलिए इनके तासीर और तसव्वुर भी उसी लिहाज के होंगे। इनके खाने में आपको वहां की चीजें महकती मिल जाएंगी, इनके बिंब वहां के होंगे। लेकिन शकील बदायूनी में नजीर अकबराबादी नहीं होंगे, उनमें बदायूं के पानी की ठसक होगी, या मजाज लखनवी में एक लखनवियत होगी, राहत इंदौरी में एक इंदौर होगा, वहां की मुझे मिला नहीं लेकिन होगा तो है ना बीच बीच में जो आप देते हैं ना, पिछली बार गीत चतुर्वेदी पे भी दिया था आपने नहीं, लेकिन इसमें राहत साहब की कोई संकट नहीं है। राहत की बात यह है कि राहत साहब के लिए खराब खबर नहीं है, है ना। तो इस तरह की जो उपनाम है उनमें हमेशा क्या है कि वो जाति के हैंगओवर पर नहीं चलते। ये जरूर एक थ्योरी है कि जो जातियों के नाम है वो भी उपनामों की तरह आए होंगे और जो जातियों के टाइटल हैं वो कभी ना कभी आपकी तासीर और तसव्वुर वाली बात जो मैं कह रहा हूँ कि प्रवृत्ति के हिसाब से जैसा कि बताया जाता है वहां से आए होंगे कि भाई ये बहुत तेज है, पढ़े लिखे हुए हैं, ये लोगों को पढ़ाते हैं इसलिए पंडित जी। लेकिन उससे पहले का सवाल लोग नहीं पूछते हैं कि आपने इनको पढ़ने लिखने का अवसर दिया क्यों था, ये भी तो बताइए। ऐसे थोड़ी था कि वो स्वतः पढ़ लिख गए थे, तो वो पढ़ लिख पाए इसके लिए भी कोई ना कोई तो उनकी पहचान रही होगी, कोई ना कोई तो कुल खानदान रहा होगा। तो ये अभी जैसे जाति के टाइटल की ही अगर बात करें, वो वाले उपनाम छोड़ दें जो अर्जित हाँ, तो मैंने कहा कि पहले उपनाम बता दूं क्योंकि जातियों के नाम पर तो चर्चा होती रहेगी, इसलिए मैंने उपनाम को यहाँ पे समझाया। और हिंदी साहित्य संस्थान से उपनाम के ऊपर ठीक ठाक काम हुआ है, दो चार बड़े ग्रंथ हैं इस पे, एक किताब मेरे पास भी पड़ी है, अभी लेखक याद नहीं आ रहे हैं, उपनाम एक अध्ययन करके काफी मोटी किताब है जिसको पढ़ते हुए मैं कई बार गुलाटी खा गया हूँ, 8-10 पेज के बाद बंद करके रख देता हूँ। बहरहाल तो आइए जाति नाम पे आते हैं। हाँ, तो जाति वाले में ये जो एक थ्योरी है उसको हटाते लोग इसलिए क्योंकि वो अपनी जाति से और उसके जो भी प्लस माइनस हैं अपनी जाति के उसको वो अपने नाम के साथ कैरी नहीं करना चाहते हैं, वो उस अगर वो बंधन है तो उसको उससे मुक्त होते हुए दिखना चाहते हैं। दूसरा इसमें दलील ये है कि जाति इतनी इतनी कमजोर नहीं है, अगर इस तरह से हो सकता नहीं, तो नहीं, बड़ी आसानी से नहीं है, मैं इसमें एक चीज तो वही कि क्या ऐसे जाति को भूला और भुलाया जा सकता है ये जो एकदम तरीका है। मुझे लगता है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है कि मैं शॉपर स्टॉप पे जाकर के या फैब इंडिया में जाके खरीदारी नहीं करता। अब ये कहने वाले दो लोग हैं, एक वो हैं
जिनकी क्रय क्षमता बहुत अच्छी है लेकिन अब उनको लगता है कि कुछ बदला जाए, तो ये उनका चयन होता है, उनकी विवशता नहीं कि वो कहते हैं कि वो फेम इंडिया में कुर्ता नहीं खरीदेंगे। कुछ होते हैं जो वो भी यही कह रहे होते हैं कि मैं फेम इंडिया में कुर्ता नहीं खरीदूंगा, ये उनका चयन नहीं है, ये उनकी विवशता है। तो जातियों का एक संकुल आप पाएंगे कि उन्होंने अपनी जातियों के नाम को छोड़ा अपने व्यक्तिगत तई, हालांकि जाति कहीं जाति नहीं है, जाति का संकट ही है कि जाति, तो उन्होंने इसलिए छोड़ा जैसे मैंने भी छोड़ा क्योंकि हमारे पास वो विकल्प था, क्योंकि हम उस विकल्प का साहस ले पाए। बाकी अन्य जातियों के पास विकल्प नहीं रहा अपनी जातियां त्यागने का, वो उनको सही करने के लिए सही नाम चुनते रहे। तो उन्होंने नीरज लिखा अपने नाम के आगे क्योंकि वो कपड़े धोने का काम करते थे, उन्होंने पंकज लिखा क्योंकि वो सिंघाड़ा पैदा करने का काम करते थे, उन्होंने अपने नाम के आगे लिखा शांति भूषण सरोज क्योंकि उनका भी काम इससे संबंधित है। तो इस तरह के उपनाम उन्होंने गढ़े, सूरज लिखा, इस तरह के कई सारे उपनाम हैं जो उपनाम इसलिए आए ताकि, क्योंकि जाति के नाम इतने गाली बन चुके थे समाज में, किसी को परेठा, धोबी, माली, कहार, इस तरह के शब्द या और बहुत सारे शब्द जिनको कहना भी उचित नहीं है और वो विधि सम्मत नहीं माना जाता है, तो ये सारे शब्दों को, इन सारे शब्दों की शब्द कुंठा यानी कि उस उपनाम, उस सरनेम, उस जाति नाम की कुंठा से निकलने के लिए लोगों ने उसको थोड़ा सा सही बनाने की कोशिश की बार बार और इस तरह के शब्द जोड़े, लेकिन ये उनका चयन नहीं था, ये उनकी मजबूरी थी। हो सकता है कि हम ये माने कि इससे चीजें बदल जाती हैं लेकिन इससे कुछ बदलता नहीं। जो व्यक्ति अपने नाम के आगे सरोज या सूरज लगाता है उसकी भी पूरी कोशिश ये होती है कि जाति प्रमाण पत्र बने और उसको उसकी जाति का लाभ मिले, और मिलना भी चाहिए, और नहीं मिल रहा है तो उसके लिए बोलना भी चाहिए, क्योंकि वो व्यवस्था बनाई ही इसलिए गई है ताकि एक इक्विटी आ सके। इक्वलिटी कुछ नहीं होता, इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी तरफ एक लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं यार, ये जो जाति से पहचान लेते हैं ना लोग कि नहीं ये तो यही होंगे अगर ये हैं तो चौबेपुर का दुबौना ही है ये, जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा जाता है, दौलतपुर का दुबौना, दौलतपुर में पैदा हुए थे वो रायबरेली में, तो जैसे उनके लिए कहा जाता है वैसे ही ये जो एक वो है ना कि नहीं मैं इस संकुल से, इस पहचान से, मेरी जाति से मेरी पहचान ना हो, इससे मैं निकलना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी प्रवृत्ति है, मैं भी इसी से निकल करके और आज यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन जाति भैया जाति नहीं है, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट, आपका जनरल कैटेगरी होना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फिर भी आइडेंटिफाई कराती रहती हैं। आपका परिवार, आपका गांव, सब सूचक हैं, ये सब सूचक हैं। और आप किराए का मकान लेने निकल जाइए और आपके नाम में अगर आपने जाति का नाम किसी भी व्यक्ति की जाति को जानने का, किसी भी व्यक्ति की जाति को जानने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि फेसबुक पे उसकी मित्रता सूची देखें, वहां पे अगर 50% से अधिक सवर्ण है तो वो सवर्ण जाति के होंगे भले ही उन्होंने नाम कुछ भी रखा हो, अगर 50% से ज्यादा मुसलमान है तो वो वैसे होंगे, अगर 50% से ज्यादा स्त्रियां हैं तो वो महिला होंगी भले ही उन्होंने नाम कुछ बदला हुआ हो। जैसे किसी महिला का नाम संतोष भी होता है, नवीन भी होता है ना। अरे ऐसे भी लोग हैं बाबा, आप नाम पूछेंगे, हाँ क्या नाम है आपका, जी मेरा नाम संजय है, संजय, संजय क्या, हाँ सर संजय, नहीं नहीं और कुछ होगा, संजय के बाद क्या है, संजय कुमार, संजय कुमार, संजय कुमार, तो बोला क्या जानना चाहते हैं आप, मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, अरे सिंह तो सभी होता है, क्या हैं आप, तो बोला कि ठीक है हम राजपूत हैं, अच्छा कौन से, समझ रहे हो, तो अब वो जाता है जब वो राजपूत बोल चुका है तो फिर कौन से राजपूत हैं, मैं बड़ी लड़ाई कर रहा हूँ कि मैं कैसे सांजल्य ना कहूँ आज। नहीं ये होता है, ये जो ये बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसे नहीं जाएगी ये पश्चिम में भी है, मार्क जुकरबर्ग जो होता है ना, मार्क जुकरबर्ग, उसका भी जो सरनेम है वह उसके फैमिली के प्रोफेशन को दर्शाता है, कपड़े धोने वाला यहाँ पे धोबी है, लोहे का काम करने वाला लोहार है, मार्क जुकरबर्ग जो है वो चीनी बेचने वाला परिवार का है, लेकिन फिर उन्होंने बहुत पहले चीनी बेचना बंद कर दिया क्योंकि वहां पे ये सुविधा थी कि आप चीनी नहीं बेचने की आजादी है आप और आप कुछ और कर सकते हो, तो वहां के जितने बहुत सारे लोगों के नाम के में लेदर, शू मास्टर, ये सब निकलेगा तो आपको लगेगा अंग्रेजों के नाम बड़े जो है उस बुक पर, उन सब के नाम जो है उनके कभी भी खानदान में पीछे किसी की
किसी के प्रोफेशन से जुड़ा था, वो स्मिथ वगैरह बहुत होता है। हाँ, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ करके तो बहुत बड़े बड़ी फैमिलियां हुई हैं। वो निकल गए उससे, नामकारी हो रहा है, पर उनके गोल्ड स्मिथ, उनके नाम में जेन गोल्ड स्मिथ अगर नाम है तो उसके नाम में आवश्यक नहीं है कि गोल्ड स्मिथ ही हो, वो कुछ भी कर सकता है। हमारे यहाँ व्यवस्था बहुत ही गंदी थी, खराब। नहीं, इसमें एक शॉर्टकट था, ताऊ, इसमें एक शॉर्टकट था। मान लीजिए मैंने नाम नहीं बताया तो कोई लपक के पूछ लेगा कि अच्छा पिताजी का नाम बताओ। हाँ, कहीं ना कहीं निकल लीजिए। तो एक पिताजी का भी अगर भी क्लियर ना हो तो पीछे से क्या है। पिताजी का नाम में अगर आप पूरा नाम नहीं बताएंगे तो आपको बदतमीज माना जाएगा। हाँ, पिताजी का अकेला नाम ले नहीं सकते, अकेले नाम आप ले नहीं सकते। पिताजी का अकेला नाम तो पिताजी के पिताजी ले सकते थे बस। तो हमारे यहाँ ये इतनी आसानी से जाएगी नहीं, पर मैं जब से मोबाइल फोन आया है तब से मैं बाप का नाम राम मनोहर हो तो कोई बेटा कह सकता है अरे राम मनोहर। जब से मैं राम मनोहर कोई नहीं कह सकता भाई साहब। जब से ये मोबाइल फोन आया है ना तब से मैं बहुत खुश हूँ कि हर आदमी की आइडेंटिटी है और वो एक नंबर है। सरकार अगर चाहे तो आवंटित कर दे, है ना, चूंकि वो नंबर जो है मेरे आधार से, मेरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, वही नंबर है मैं हूं। अभी क्या हो रहा है, मुझे ना पानी जी का नंबर याद नहीं है, मैं सरदार का नंबर याद नहीं है क्योंकि सेव है। अगर हम सारे लोग नंबर से ही जाने जाएं तो एक तो अपना कभी नहीं भूलेंगे, दूसरा दूसरे भी नहीं भूलेंगे, और कोई किसी का नंबर नहीं भूलेगा, फोन बुक की आवश्यकता ही नहीं है, है ना। तो प्रधानमंत्री का भी एक नंबर होगा 9873295, तो हम लोग फोन भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री को, अभी हमें पता ही नहीं है प्रधानमंत्री का क्या नंबर है। तो ये बड़ी, और उससे क्या होगा फिर, कैसे पूछोगे जाती और कैसे आएगा। नंबर तो मशीन देती है, सिम में निकला है, आपका लक है, और बहुत पैसे है तो वीआईपी वाला ले लो, लेकिन उससे पता नहीं चलेगा कि आप ब्राह्मण हो। उस नंबर को दफनाना भी नहीं पड़ेगा, वो नंबर किसी और को ट्रांसफर हो जाएगा, आप 3 महीने उससे बाहर रहेंगे। हाँ, और आप जो है पुनर्जन्म ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर से गए उधर से आ गए। हाँ, तो उसमें जो कुत्ता या सियार बनने का संकट है वो खत्म हो जाएगा, आप हाँ, इंसान ही बनोगे अगर आपका नंबर होगा। तो एक प्रस्ताव मैं रखता हूँ कि हम सभी को हमारे मोबाइल नंबर से जाना जाए, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। मोबाइल नंबर की कोई जाति नहीं होती, और चाहे वो कितना भी वीआईपी नंबर क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर की तरह कोई ना कोई अंटार्कटिका या भारती बैठा ही रहता है। हाँ, लेकिन मुझे तब याद है, बस में बैठा हूँ, बगल में चचा बैठे हैं, हाँ भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं बोलूं मेरा नाम 8586920539। और है ना, तब नहीं, नहीं जाएगी तो, नहीं तब वो कहेंगे, अच्छा जियो हो। तो आप कहेंगे नहीं नहीं जियो थे, अब एयरटेल में पोर्टेबल जियो पोर्टेबल है। ये अच्छा था, क्या बात है। अंक बेसिकली अंक से अंक लगाओ सजन, ऐसे अंक लगाओ। मेरा लंबा अंक ले ले, मुझे छोटा अंक दे दे। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे नोट पे आके उपसंहार मिल गया हमें, तो यहाँ से हम तीन ताल का ये एपिसोड को समाप्ति की ओर ले चल सकते हैं। बिल्कुल, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी कोरोना ग्रस्त हो गए हैं और आप लोगों को लग रहा है कि अब ये वाकई चिंताजनक होता जा रहा है कि तेंदुलकर और आलिया भट्ट और रॉबर्ट वाड्रा, ये सब सेलिब्रिटीज एक साथ बीमार पड़ते जा रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि जब सबसे सुरक्षित संकुलों में रहने वाले भी बच नहीं रहे हैं तो ये हमारे लिए कितना चिंताजनक होता जा रहा है। तो कृपया स्वस्थ रहें ताकि ये 25वें रजत जयंती एपिसोड के बाद में हम लोग 56 इंच वाला एपिसोड भी सुन सकें। और पिछले साल ताऊ और बाबा को कोरोना पे बहुत ही दर्दनाक चीजें लिखनी पड़ी थी। ताऊ सरदार ने तो एक ऑप्टिमिस्टिक चीज लिखी थी, बाबा ने 20,000 विदेशिया लिख दिया था, वो फिर से ना लिखना पड़े। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से बचे रहें। अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलेंगे। मुंह में पान रचे रहें, कोरोना से बचे रहें, तीन ताल सुनते रहें और चिट्ठी विट्ठी भी लिखते रहें, मतलब थोड़ा क्या है हम लोग को भी थोड़ा ऊर्जा मिलती रहती है चिट्ठी पढ़ करके। बिल्कुल, रेडियो फेसबुक पे देखते रहें और चिट्ठी विट्ठी लिखते रहें। radio@aajtak.com ये हमारा ईमेल आईडी है। अगले शनिवार को फिर मुलाकात होगी। बाबा ताऊ और सरदार की ओर से जय जय हो, जय हो, जय हो।
मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।